सत्संग पंडाल तो बाहर खड़ी हुई है, मेरे भी जितने भी खड़े हैं आज जो उनकी बेनती कर दिया कि अंदर आने की कृपालता करो। जिनू आप मुर्शद जोर देवे विछोड़िया नू अग लाइए मंजूर मिया गम दिलां विच बस ते कितने विछड़िया ना मर जाइए। Yeah, no.
बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्या कुछ नहीं मेरे बल्ले कुछ नहीं मेरे बल्ले जे वेखा मैं अपने बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले कुछ नहीं मेरे बल्ले कुछ नहीं मेरे बल्ले जे वेखा तेरी रहमत बल्ले जे वेखा तेरी रहमत बल्ले साईया बल्ले बल्ले मेरी रखिया राज गुरदेव मेरी रखिया राज राजगुरु झोली भर दे में जो दुध पाउंदा पाउंदा ओए पाउंदा साईया जो दुध पाउंदा पाउंदा काशी तेरे दर ते आया काशी तेरे दर ते आया चरना दे विच ला लो मेरी रखियो लाज गुरुदेव देव मेरी रखियो रखियो लाज गुरुदेव देव मेरी रखियो लाज गुरुदेव सब तो पहला मेरे पीरो मुर्शद सरूद जानी जो इस वेले दाता सरकार सानू इत्थे गाउण दा उदम बख्श रहे जिन्हां दी हजूरी सदका सी आए हैं मेरे सरूद मालक बापू गुलाम साईं सुरेंद्र शाह सरकार बाकरपुर वाले उन्हां दा सारे सजदा कबूल करो सारे सजदा कबूल करो क्योंकि असं उन्हें फकीरों के दरबार तो आए उन्होंने फकीरों के बच्चे हैं जिन्होंने सानू सिर्फ एक अदब सिखाया भी जिस दरगाह से जाना है जिस मजार से जाना है जिस दरगाह से जाना मजार से जाना गुरु घर जाना मंदिर जाना मस्जिद जाना तुहाडा अकीदा एक होना चाहिए अकीदा और मैनू खास करके जिन्हें कमेटी ने इतने बुलाया उहदा कारण एक है मैं तुहानू इस गुरु घर की एक गल दसन आया तो जे खाने पा जाओगे तो बड़ा कुछ ले जाओगे जे खाने ना ना पई ना इत्थे ढोई तो ना उत्थे ढोई दुनिया पता किधर तो तुरी फिर बाबे जे जंत्रा मंत्रा नाल रब मिलता होता ना ये धागे तवीत नाल जे रब मिलता तो जिहड़ी धागे बनाने वाली मशीन ने वो रब दियां पहले आशक बन दियां ते जिहड़े उन्हों बनाउंदे और रब नूं अपने पावे नाल बन के रखते कदे नहीं रब मिलना कितना अज इस स्टेज राही दस के जाऊँगा कि रब नूं पाउणा कितना रब है कितने रब वसदा कित्थे है रब नूं देखना किदा रब नूं पाउणा कित्थे है रब नूं पाउणा किवें ते ओह मिलूगा किदा ये अज तुहानूं दस के जाऊंगा जिन्हें जिन्हें संगत बाहर खड़ी है खड़े हो के किसका तमाशा देख सकते हो बाबे जे तुसी अज इत्थे इस बरसी के तमाशा देखण आए हो तो फिर खड़े रहो फिर बैठे हो ना जे गुरु की उस्तन नूं मानण आए हो जे गुरु की उस बरसी नूं मानण आए हो तो पंडाल फिर तुहाडे लई है फिर अंदर आके बह जाओ जे अंदर नहीं बैठे फिर इस तरह ओदी दरगाह च बाहर ही खड़े दे खड़े रह जाओगे उन्हें तुहानूं अंदर आवाज नहीं
लोको राजा साहब दिया दुआवां मेरे नाल दरबार ना लाई है ना फिर कोई ऐरे गहरे की गुलामी करने की लोड़ नहीं फिर ऐरे गहरे की गुलामी करने की लोड़ नहीं क्योंकि रब दिया रूहां दे दरबार ने जिन्होंने रब नू पा लिया बापू इंद्रपाल सिंह जी महाराज बापू इंद्र सिंह जी महाराज और उस तो पहले एक ना राजा साहब का आता जिद ना ही राजा हो प्रजा किवें भुखी मर सकती है जड़ा जिन्हें लाड़ी राजा साहब का फड़िया हो प्रजा कि भुखी मर सकती है पर मरूगी कि जो अपने राजे के यकीन ना करते हुए किसी दूसरे राजे के चरणी जगह पेगी फिर वो प्रजा भुखी मरण की लायक हैगी है यकीन कामल होंगे पीर कामल नहीं होंगे इंसान कामल नहीं होंगे यकीन कामल होंगे और जे यकीन ना होंगे फिर धने रब नहीं मिलता जे यकीन ना होंगे फिर धने रब नहीं मिलता जे यकीन तू इस दरबार से इन्हों गुरुआ की पीर की इन्हों उन्हें पहुंची हुई रब दियाँ रूहों की मजारा से जे तू यकीन है कि तुहाडे बेड़े पार हो एक बार ताड़ी लो सरकार के नाम ज्यौते रहो तुम यही गल कहनी है कोई तुम्हें पूछे ना अज तो बाद पले बन लो जे श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे हो फिर गुरु ग्रंथ साहब च पक्के हो जाओ उत्थे जुड़ जाओ जे विश्वास गीता च है फिर उत्थे जुड़ जाओ पक्के हो जाओ जे बाइबल च यकीन है तो उत्थे जुड़ जाओ पक्के हो जाओ ते जे यकीन तुहाडा कुरान पाक च उत्थे जुड़ जाओ पक्के हो जाओ फिर किंतु परंतु नहीं चाहिए बाबिओ ये नहीं जिहड़ा इंसान ये कहे ना कि मेरे वाला वड्डा तुहाडे वाला छोटा वह अजे गुरु के गगे तो भी वाकफ नहीं होया और गुरु का गग्गा भी नहीं है जी उन्हें पता बाकी गलों दवा दी ना बाबा जी तुम की कहना है धुप्पा का नहीं डर मैनू छावा मेरे नाल ने बापू इंद्र सिंह दिया दुआवां मेरे नाल बापू जी
इथे मैं नहीं गाना, इथे तैं गाना है। ये स्टेज तेरी है, असी तो एक मोहरा खड़ा करता तो असी गा रहे हैं। ये तैं गाना है, ये तुसी कह रहे हो, ये तुसी कह रहे हो। जाओ साडा बापू इंद्र सिंह जी महाराज कह रहे हैं, की कह रहे हैं सुन के जरा। ये तुहाडे नहीं कह रहे हैं। कई मैनू फिर दे सी पैरां हेठां रोलणे नू, कई मैनू फिर दे सी पैरां हेठां रोलणे नू। ओ कुटियां तू अंबरी चढ़ाइया मेरा मालका, तेरियां ने सबे वड्डियां मेरे, तेरियां ने सबे वड्डियां मेरे मालका, तेरियां ने सबे वड्डियां मेरे मालका, तेरियां ने सबे वड्डियां मेरे मालका। मोबाइल चके गया, यह उन्हें सरकारों का दरबार है जिथे रब भी चलाकी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रब ने उन्होंने अपना बनाया तो उन्हें रब न अपना बनाया। यह ना हो लैन इतने कुछ होर है तो घर जाते दाता सरकार कुछ होर दे दे। किसी भैन का मोबाइल चुकया गया, अपनी चोरिया चारियां कितने होर करो। ये सच का दरबार है, चुप करके फोन दे दो। कित ना हो घर जाओ, फिर जिन्हें का मोबाइल नहीं उस तो दस गुना तो उपर लाने पै जाने। चुप करके मोबाइल दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी थोड़ी। नी मैं कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली कमली यार दी कमली, नी मैं 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 कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली यार दी। भाई जी असी कहते बहुत सारे, तुम नहीं कहते होर बहुत थावां ते मैनू कह देंदे आ भाई जी असी बरसी मना रहे हैं, बधाइया ना दिओ। क्यों ना दईए भाई? एक बारी वो फोटो नू तक के वेखो, बापू इंद्र सिंह महाराज की फोटो नू तकियो ते तुहानू लगदा है कि उस रूह नू अज 67 साल उहदी 67वीं बरसी मना रहे। कौन याद करदा इन्हें बीते हुए समय में? जे उहदे विच कोई गलबात है तां उहनू याद कर रहे हो, जे उन्होंने करनिया कीतियां बाबे तां याद कर रहे हो, जे उन्होंने कुछ दुनिया के भला किया तां उन्होंने याद कर रहे हो, ते जे उन्होंने एडे वड्डे परिवार को एक किया होवे ते उहदी बरसी ते असीं वधाइयां भी ना दईए, फिर साडी लख लाण दा बाबा जी। मरना असीं भी है, मरना तुसीं भी है बाबा जी। याद उन्होंने किया जाता है जिन्हें कोई गलबात होती है। एक बारी जोरदार ताड़ियां लाओ अज की बरसी के ना तो। असं भी कहने सच्चे पातशाह साड़िया उम्र होर बढ़ा देवे, असी दो दो साल के हो जाइए, असी तेरी बरसी इदा ही मनाते रहिए जिदा तू सानू चाहना वा। मेहरबान बापू इंद्र सिंह होया वो जिंदे ने ना मरदे ने, इना आशकां ने दुनिया तो की लेना होए, ए आश
इश्क राजी राजा साहब नू कर जाए मेरे जिस इंसान ने पहली बार बापू इंद्र सिंह महाराज जी नू तक्या होगा ओदी उस्तत कीती होगी ओदी बैठक कीती होगी जदों ने रब दा चेहरा तक्या होगा उन्हें अपनी मां नू जाके की करे क्या होना सुन के जरा माए नी माए मेनू प्यार हो गया माए नी माए मेनू प्यार हो गया जिन्हों अज प्यार करके आ गए हैं उसके बारे सुनिया भी कौन है वो बच्चा अपनी मां नूं की कहिंदा सुन के जरा जिन्ना भी सुनिया उसके बारे चंगा लोग ने कहिंदे लभ दे फिरदे बाहर जिन्हों नूं विच दिलां दे रहिंदे कौन कौन मनदा कि रब दिल च है कौन कौन मनदा है मैं किसी नूं भी खड़ा करके सवाल पूछ लेना ते जवाब देने वाले नूं 101 रुपया इनाम ते जे कोई मेरी भैन बच्ची मेरे सवाल का जवाब देवे 501 रुपया इनाम मैं पैसे लिए गाउन नहीं आया बाबा जी मैं जागरूक करना है रब चीज की है तुसी भटके हुए लोग हो याद रखियो जिंदगी च मेरी गल सच्ची या कौड़ी है पर जदों लास्ट दे विच नचोड़ निकलूगा ना अजे तो मैं दुध पाया उहदे च दही पाया जदों लस्सी बन के मक्खन निकलूगा फिर तुहानूं यकीन होगा भी गल सच्ची है बापू इंद्र सिंह महाराज दा कोई दिमाग जो फर्क नहीं सी पिया उहने रब नाल लाई उहनूं पता लग गया कि रब तो बिना साडा बेड़ा पार नहीं होना बाबा जी रब तो बिना बेड़ा पार नहीं होना तुसी जिंदगी च जिन्नी मर्जी माया कमा लो इत्थे अमेरिका वाले भरा बैठे होणगे कैनेडा इंग्लैंड वाले बैठे होणगे मैं दावे नाल कहना जे माया नाल तुहानूं रब मिलदा है माया नाल ते अज अंबानी रब नूं घरे रखी बैठा होंदा माया नाल नहीं रब मिलना किदां अजे ये नोट करियो रब नूं पाउणा किदां रब इत्थों मिलूगा रब इत्थों मिलूगा रब ने अपने चार चार वजीरां नूं खड़ा के गल पुछी सुनियो चार वजीरां नूं खड़ा के रब ने गल पुछी कहिंदा मैं दुनिया बनाउण लगा मैनू दसो कोई ऐसी जगह हैगी है जिथे मैनू इंसान लभ ना सके और पहले नूं पुछिया पहला कहिंदा हैगा जी कहिंदे केड़ी कहिंदे सरकार हे परमपिता परमात्मा निरंकार आप जी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी बनाउणी है आने वाले समय च ओदे उपर जाके बह जा इन्हां ने तैनूं नहीं लभना रब कहिंदा ओए भले लोको ये वो लोग ने जिहड़े चंद ते जा जाके भी खोजा करनगे माउंट एवरेस्ट की चोटी की चीज है फिर कहन लगा दूसरा कहिंदे सच्चे पातशाह एक जानवर कोई भी बना लो जानवर दे विच पै जाओ कहिंदा इन्हां ने ओदा मांस वढ वढ के खाणा है फिर मैनूं भी दुख लगूगा नहीं होर दसो कोई जगह तीजा कहन लगा कहिंदे सच्चे पातशाह कहिंदे मंदिर मस्जिद बना लो उहनां च बह जाओ कहिंदे लड़ लड़ के मरनगे ओह हो रिहा अज दे टाइम च अज हो रिहा है ये गुरुद्वारा भाई रविदास जी दा
यह गुरुद्वारा भाई मजहबी सिखा का यह जटा का यह खमुआ का यह फलाने का यह उरलिया का यह परलिया का वह सानू अज रब की समझ आई नहीं बाबा जी जो समझ आ गई ना फिर साढ़े बच्च जात पात नहीं रहूगी फिर एक ही जात रहूगी इंसानियत की जात इंसानियत की जात चौथे नु पूछा कहते तुसी दसो कोई हैगा कहना मालक एक जगह हैगी है कहते केड़ी कहता जेड़ा इंसान बनाउन लगा है ओदे अंदर बढ़ के बह जा सारी जिंदगी लग जूगी वो लभ नहीं सकूगा ते जितने उन्हें लभ लिया फिर वो किसी नु दसन जोगा नहीं रहूगा रब है किथे होए दुनिया ते जीना संभव नहीं सी जे कुल संसार ना होंदा दुनिया ते जीना संभव नहीं सी जे कुल संसार ना होंदा मैं इत्थे तेने गा देंदा जे सुखी परिवार ना होंदा ए नदरां ते मेले बरसियां नहीं सी लगनियां जे सच दा प्रचार ना होंदा और रावण नू मौत नहीं सी आउणी जे ओदे विच हंकार ना होंदा इना हिंदुआं दी रख्या कौन करदा जे श्री गुरु गोबिंद सिंह सरदार ना होंदा इना राजियां दे हंकार नहीं जी टुटने जे गुरु रविदास महाराज चमार ना होंदा ने सुनी होगी कि कोई एक भगत एक राजा श्री गुरु रविदास महाराज को पारस दे गया सीगा सारे ने सुनी होगी कि महाराजा ले जाओ उन्हें दसिया कि इस अगर लोहे नाल कसाओ तो सोना बन जाता है श्री गुरु रविदास महाराज ने उन्होंने किली ते टंग के रखा सी जिन्ने दिनों वापस नहीं सी मुड़ के आया यह गल तो असं दस दें पर यह गल कोई नहीं दसदा उन्हें किली ते टंगया क्यों सीगा कोई नहीं दसदा पता क्यों उन्हूं उस रब दे आशक नू पता सी कि ये किस इंसान नू किस रब दे बनाए हुए रब दे आशक नू ए लालच दे रहा कि पारस किसान नाल सोना भी लोहा बनता है उन्हूं ए नहीं पता ओए जेदे जदी छपड़ी दे विच सोने दी गंगा वगदी होवे ते तू ओनू पारस किसान कह रहे हैं तेरे वर्गे पता नहीं किन्ने उन्हें राजे बनाते किन्ने राजे दे हंकार तोड़ दिते ते तू श्री गुरु रविदास महाराज नू खरीदना है ओनू पता सी ता मैं शेर गया इन्हां राजे दे हंकार नहीं सी टुटने जे गुरु रविदास महाराज चमार ना होंदा ओए जेड़ा सोना दुनिया नू वंड रहा है जिन्हें रब नू पा लिया होवे ओनू तुसी लुटना आए हो ओनू ओनू थले दबण आए हो नहीं कदे नहीं हो सकदा इसे तरह ये सच्चे आशक होए ने बापू इंदर सिंह महाराज जी सच्चे आशक होए ने एदे दरबार ते कोई भी उन्नी की करूगा ए ना सोचो कि ओ बख्शे जाऊगा ना ओदी इत्थे ढोई ते ना ओदी उत्थे ढोई भी सुने आयो दे बारे चंगा लोग ने कहंदे लभ दे फिर दे बाहर जिन्हां नू विच दिलां दे रहंदे सुपना दे विच आया राजा सुपना दे विच आया राजा प्रधान श्री संतोख सिंह जी विक्रमजीत सिंह जी हरमनप्रीत सिंह जी मनी प्रधान
अमरजीत सिंह जी, संदीप सिंह जी, डॉक्टर कश्मीर भाटिया, विजय सतनाम सिंह जी, सुरेंद्र सिंह भोला, हरमेश बंगड़, हरदीप सिंह जी, सतविंदर सिंह जी, मंगा बाबा, गुरजीत सिंह जी, कुलजीत सिंह जी सरहाल, आम आदमी पार्टी हलका इंचार्ज हरजोत कौर साड़ी भैन सानू अंदर मिली सी, लोटिया साई रोहित शाह लुधियाना, ते असी ये दुआ करदे हो साड़ी भैन जे 2017 च रह गई है आओ तेरी रल के दुआ करिए जे उहदी नेक दुआ पूरी हो जावे। सच्चे पातशाह बापू इंद्रपाल सिंह महाराज जी उन्हां नू आउण वाले इलैक्शनां दे विच इस एमएलए दी सीट तों फतेह हासिल करावे बाबे। मैनू नहीं लगता बाबा जी दोबारा कदे किंतु परंतु करूंगा। एक बड़ा रौला चलिया होया पंजाब नू लेके, बड़ा रौला भी कोई मजारा ते जाके गाउंदे कबर ते गाउंदे होए तानू जिस दिन ना कबर मजारा का मतलब पता लग गया ना उस दिन जिउंदे जी मर जाओगे तुहानू पता ही नहीं इन चीजा की। बाबा जी मेरी गल सुने हो जरूर, जड़ी गल कह लगा बड़ी डूंगी गल है उन सुन लो। झूठ नू सच दसना ते सच नू झूठ दसना एक कला प्रचार नहीं बनता। झूठ नू सच ते सच नू झूठ दसना कला प्रचार नहीं बनता। नाटक बीमारी दे कोई बंदा बीमार नहीं बनता। चार माया दे छिलन लेके बंदे च हंकार नहीं बनता। कला सिर ते रख के दस्तार बंदा सरदार नहीं बनता। कला सिर ते पग रख के दस्तार रख के बंदा सरदार नहीं कहा सकता। इन्हां लोकां नूं की दसीए बाबा जी, ओए जिन्हें पग नहीं बनी वह भी गुरु का सरदार हो सकता है, वह कलगीधर पातशाह का सरदार हो सकता है। तुहानूं की अंदाजा उहदा कि तुसीं सिर्फ पग का दिखावा कर रहे हो अंदरों किन्ना क जुड़े हुए सतगुरु नाल, इहदा अंदाजा तुसीं बाहरों नहीं ला सकते। बाबा जी मैं हाथ जोड़ के हर पिंड दे विच जा जाके हाथ बन के बेनती कर रहा कि कलयुग जोरां ते है बाबे, कलयुग जोरां ते है। जिहदी उम्र 4,32,000 वर्ष है सिर्फ 5,000 वर्ष गुजरे है, 4,27,000 वर्ष जे पए है, 4,27,000 वर्ष जे पए है। ते जदों 100 साल होर हो गया, 200 साल होर हो गया, 1,00,000 वर्ष होर हो गया, पता दुनिया ते की होगा। भैन भरा नाल विआह कराऊगी, मां दे पुत दा पर्दा नहीं रहना। याद रखियो ये ऐसा कल युग आ रहा बाबा जी, याद रखियो। पर इहदे कोल बचिया किवें जा सकदा है, इहदे कोल बचना किवें है? ऐसे दिन दुनिया ते आउणगे नहीं जे पाप दी बदगी लड़ी लोको धरती ते आसमान टकराउणगे नहीं। याद रखियो दुनिया ते परलो आउणी है, किसे ने नहीं रहना इत्थे, ते रहूगा कौन, रहूगा कौन, ये भी गारंटी है क्योंकि धन गुरु नानक पातशाह कह के गए रहूगा कौन। ऐसे दिन दुनिया ते आउणगे किसे जदों पाप दी बदगी लड़ी लोको धरती ते आसमान टकराउणगे नहीं। ओ बचणगे ओ योद्धे जिहड़ा रब दा नाम ते होणगे जे मैं गल कह दिया ते
बाबा जी गल एक कह लगा समझे तुम भी पिंड वाले अजे बापू इंद्र सिंह महाराज नहीं है ते जे समझे होंगे फिर अज प्रोग्राम दो नहीं एक होंदा जे उन्हें समझे होंगे अज प्रोग्राम दो नहीं फिर एक होंदा बाबा जी एक होंदा जे असी तुसी भी नहीं समझे उन्हें सुन के सोच के देखो अज दो घर का प्रौना किन्ना परेशान होंदा होगा मैं उधर जावां इधर जावां किन्ना परेशान होंदा होगा वो सोचता होगा मैं उस घर च रोटी खावांगा जां इस घर च खावां मैनू अपना लालच नहीं कि मैनू बुलाया गया मैनू ना बुलाउंदे मेरी रोटी चल रही है पर मेरे इस सतगुरु नू एको तकड़ी च तोड़दे ते गुरु मजा ही कुछ होर होना सी जे एक तकड़ी च तोड़दे हले तक असीं भी पूरी तरह समझे नहीं सानू भी नहीं पता इस चीज की है कौन है कितों आया ते कित्थे गया असीं समझे नहीं असीं बाबा जी असीं घर च वंडियां पाई खड़े हां बाहरले नू की जवाब दे देंगे ऐसा मिलिया फकीर नी माए मैनू ऐसा मिलिया फकीर ऐसा मिलिया फकीर नी माए मैनू ऐसा मिलिया फकीर मां कहंदी कैसा फकीर रब भी गालियां दी टाल नहीं सकदा रब भी गलिया की टाल नहीं सकता इन्हें जिथे खिंचती लकीर ऐसा मिलिया ऐसा मिलिया फकीर नी माए मैनू ऐसा मिलिया फकीर नी माए मैनू ऐसा मिलिया फकीर ऐसा मिलिया फकीर नी माए मैनू ऐसा मिलिया फकीर मिले कम की करता हर वेले गल करदा बाबे नानक ते मरदाने दी कदे गल करदा दसम पिता दी कदे कुल जमाने दी कदे कुल जमाने दी कदे कुल जमाने दी मैनू लगदा वे साउंड वाले तेरा बैलेंस हिल गया मैनू अपने मैक दी समझ नहीं आ रही मैनू लगदा बैलेंस हिल गया वे माया वे सोने वे माया वे सोने ओ हर वेले गल करदा बाबे नानक ते मरदाने दी ओ कदे गल करदा दसम पिता दी कदे ओ कुल जमाने दी बादशाही चाहिए है एक बारी हाथ खड़े करो आज असी दुआ करिए लड़के मैं झोली अड़दा बापू इंद्र सिंह जी महाराज अगे मैं राजा साहब अगे कि अगली बार तेरे इस मजारे ते दरबार ते दो नहीं एक प्रोग्राम हो एक हो जान जिते एक है उते सारा कुछ है मैं दुआ करना बापू जे तू सचमी साडा बापू है
जे सगनी साडे दादे परदादे गुरुआं पीरां दी जगह लैना है फिर एक होवे दो नहीं चंगे लगदे। बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी सतगुरु तेरी, बड़ी मेहरबानी होगी। बाबा जी मैं रस्ते च गल करदा आ रहा सी, जिहड़े सरकारी मुलाजम होंदे आ चाहे वह पुलिस वाला होवे चाहे वह बैंक वाला होवे चाहे वह किसी पैफड़ च होवे पैफड़ च होवे किसी भी डिपार्टमेंट च होवे, अज मैं गल नवी सुनाउण लगा जिहड़े रिश्वत लैंदे उहनां दा हाल की हुंदा सुणिओ जरा। सुनियो रिश्वत वाले का हाल की होगा, जे कोई इतने बैठा हो मैं माफी चाहना अज कह के गयो कि असी बच्चे पाल लेंगे अद्धी एक की जगह अद्धी खा लेंगे जिंदगी कदे रिश्वत नहीं लैनी, उहदा हाल की होगा सुनियो जरा। हरियाणे की धरती अंबाले शहर के एक मुलाजम आई डीसी डीसी की पोस्ट से, उन्हें पब्लिक नूं बड़ा परेशान किया तंग किया बड़ा परेशान किया, दिन पर दिन और लोगों लुट लुट के खा रही, अपने बच्चे जज की सीट पर बिठाना चाहती सी इन्नी स्टडी करा रही थी उन्हें, पर जिमें जिमें पैसा कमा रही तो बच्चा नशे से लग रहा दिन पर दिन, बच्चे अंदरों रोग लग रहे हैं नशे से लग रहे हैं। तो सानू पता की लग रहा है भी चलो बीमार तो उवें हो ही जाते हैं। बाबेओ जिंदगी च याद रखियो जिहड़ा रब दे डोरा सुट दिंदा ना उहदियां बीमारियां फिर डॉक्टर नहीं वो अल्लाह पाक वो परमात्मा वो वाहिगुरु आप ठीक कर दे, ते जेदे नाल अल्लाह पाक एक बारी ला लवे फिर डॉक्टर छड्डो फिर रब दे वास्ते भी बाहर हो जाती फिर वह भी उहदी बीमारियां ठीक नहीं कर सकदा। ते की होया ओ डीसी वो इन्ने हंकार दे विच माया दे विच चूर हो गई, खानपुर एक पिंड पैंदा कैसल दे हरियाणे दे विच उत्थे एक पीरां दी मजार बनी हुई सी जिहनूं सारी दुनिया सजदा करके लंघदी है, वो डीसी आके कहिंदी पैसे दा भूत अपनी वर्दी दा भूत सवार उहदे ते अपने अहुदे दा भूत सवार उहदे, जिंदगी च कदे अपने अहुदे दा अपने पैसे दा अपने हुसन दा अपनी पहुंच दा अपनी गड्डियां कारां दा मान ना करियो, ये कमाउण नूं ते लखां साल लग जांदे आ ते खोण वाला एक मिनट लाउंदा बाबे। हंकार च कहन लगी कहने जी मजार बनी है ना इसको इसको हटा दिया जाए ताकि हम रोड सीधा कर सके, और बाबे उन्हें मजार दे विच एवें एवें ओ जेसबी दा जदों पंजा पाया उधरों ओदा मुंडा किसे गड्डी दे विच आ रहा सी ऐसा एक्सीडेंट होया जिवें उन्हें पीर दे मजार नूं पंजा पाया ओदे पुत दियां आंतरां कढ के बाहर रख दित्ती उन्हें सरकारां ने, उन्हें सरकार ने उहदे पुत दियां इको एक मुंडा उहदियां सारियां आंतरां कढ के बाहर रख दित्तियां। बाबा जी यह रिश्वत का पैसा एवें एवें ने फल जांदा है, जिंदगी च किसी की आत्मा ने दिखायो आत्मा जो सराफ दे देवे ना फिर उन्हें परमात्मा भी मोड़ नहीं सकता क्योंकि आत्मा ते परमात्मा का मेल है हंकार ते निरंकार का मेल नहीं हैगा। बाबे पौंदा रस्ते नी माए टुट्टिया नू पिया गंढदा है, झोली भरे गरीबां दी बादशाहियां पिया बंडदा है बादशाहियां पिया बंडदा है बादशाहियां पिया बंडदा है। इहदे तों साडी शुरू होवे इह तुसीं कहना है इह तुसीं कहणी है गल मैं नहीं कहूंगा क्योंकि तुसी इस दरबार के आशक हो इस दरबार के मुरीद हो इस दरबार के मंगते हो गुलाम हो नौकर हो यह गल तुसी कहनी है, जे अज ये गल कह जाओगे तो बड़ा कुछ ले जाओगे जे गल मन दे विच ये रखनी कोई नहीं साडे नाल बापू दी हैगी है
जे धन धन श्री गुरु नानक महाराज ने धन धन श्री गुरु नानक महाराज ने अपने पुत नू ये गल कह दी सी ना कि तुसी विधि दे विधान दे उलंघना की है तो फिर साडा बापू कहण च देर नहीं लाऊगा कि तुसी मेरी भी नहीं मनी ये गल तुसी कहनी है तेरे तो साडी शुरू होवे अज तो तेरे ते अखी ऐसा मिलिया ओए ऐसा मिलिया फकीर जागरण कितने से बाबा जी मालपुर मालपुर वाली ने सिंगा तेरा फैन है बाबा जी ये इंजन ढाई घंटे बंद नहीं होना ये इंजन ढाई घंटे चलूगा ढाई घंटे तो बाद तुम साथ दवाऊंगा मैं याद रखियो की होया बठिंडे दे विच इक पिंड है बठिंडे शहर च ये ए भी गल पले पा गए फिर भी तुसी ये दे हो जाओगे मेरे बापू इंदर सिंह महाराज जी तुहानू नहीं बख्शन वाले तुसी जरूर कहोगे अज ये मुंडा साडी जी कमियां क्यों कट रहा है क्योंकि जे मैनू कमी लगी है तो मैं तां कट रहा बाबा जी जे तुसी ये भी गल अज मेरी पले पा गए तो तुसी तर जाओगे बाबा जी मैं पहले कहा कि नाटक करके कोई बंदा बीमार नहीं बनता गल सुनो तुहाडी गल कान कर जूगी अंदर तुहाडा शरीर अंदरों झंझोड़ दूगी गल बाबा जी असीं देखदे हां मैनूं पता तुहाडा इह जिहड़ा पिंड है तुहाडा इह एरिया है तकरीबन तकरीबन मुंडे बाहर अमेरिका गए होए आ तकरीबन कोई कैनेडा कोई यूके गया होया कोई किथे गया आस्ट्रेलिया गया गया एक पिंड दे विच मैं ब्याह ते गया असी घर दे विच काम करने वाली भैन नूं बुला लैने आ काम करन लई भांडे धोण लई घर दा रोटी टुक करन लई बाबा जी रोटी टुक कर रही है तो मैं उहनूं देख रहा भी अपने बच्चे पालन लई की कर रही है महाराज इहनूं चढ़दी कला रखे बाबा जी इहनूं दिन दुखणी रात चौगणी बख्शे बाबा जी मां तों वध के दलेर नहीं हुंदा कोई मैं दावे नाल कहना इन्ना दिल उस रब दे विच नहीं है जिन्ना उहने मां दे विच दिल पा दित्ता मां एक ओ है मैं 52 हड्डियां टुटण दा इन्ना दुख नहीं हुंदा जदों मां एक बच्चे नूं जन्म दिंदी है ते जदों बच्चे नूं जन्म दिंदी इन्ना दुख सहन करदी है और ओ धी मैं उस धी नूं धी नहीं गिणदा जिहड़ा इक टुच्चू जे बंदे पिछे लग के इक गंदे जे इंसान पिछे लग के अपने मां दा 24-25 साल दा प्यार भुल जावे ते ओहदे नाल जावे मैं उस धी नूं धी नहीं गिणदा ओ धी बदकार है ना ओहदी इत्थे ढोई ते ना ओहदी उत्थे ढोई बाबा जी ते ना मैं उस
उस पुत नूं पुत गिणदा एक एक चंद चंद प्यार मुहब्बत के चक्कर दे विच अपने मां प्यो दा अदब करना छड्ड देवे मैं उहनूं पुत नहीं उहनूं कुपुत गिणूंगा ना उहदी इत्थे ढोई ते ना उहदी उत्थे ढोई बाबा जी ओए उहनां मावां नूं भुल गए जिन्हां ने सारी रात गिल्ली थां पा के आप तुहानूं सुके पाया आप गिल्ली थां पाए आ जिन्हें यह नहीं देखा वो हाथ में रोटी दूसरी दूसरी सैर तुसी टट्टी कर दी और वह माँ साफ कर रही है वह देण कि दे सकते हो बाबे तुसी नहीं दे सकते सारी जिंदगी नहीं दे सकते किड्डा भी कोई वली कंधारी होवे किड्डा भी वली कंधारी होवे माँ का दे नहीं दे सकता की होया ओए औरत भांडे मांज रही है तो सानू कह दिता कहते भाई चाह पी लो असी चाह पीन लगे माता जी गल सुनो चाह पीन लगे वो जड़ी भैन और थले एक पीड़ी दे दी बैठने पीड़ा बोलते जो पीड़ा देता उपर बह गई दूर करके पता कौन जट परिवार जिन्होंने श्री साहब पाया होया और अमृत छकया होया गुरु नाल जुड़े हो मैं कदे नहीं उन्होंने गिणूंगा तुसी गुरु नाल जुड़े हो जे तुहाडे विच इह फर्क है उन्हें उन्होंने दूर बिठा के एक पुराने गिलास चाह दे दी बाबे मेरा अंदरों काल जा फट गया और यह भी रब की बनाई हुई जीव है बाबा जी तुसी कहदे गुरु नाल जुड़े हो की होया उस तो बाद मौत मैनू उदों आई जदों किसी ने कहा कहते इहनूं एक बर्फी का पीस दिओ उस औरत ने उस सरदारा की बुढ़ी ने उस माई ने चाकू दे नाल बर्फी का पीस चक के उन्हों ए दे रही है कहिंदे ए ए नीवी जात के लोग है ये साड़ी बर्फी नूं हाथ नहीं ला सकती ओए कादे तुसी गुरु नाल जुड़े हो गुरु दे नाल तुसी जुड़ नहीं सकते अजे बहुत लंबा सफर तय करना पऊगा कोई फायदा नहीं तुहानूं अमृत छकण दा जे तुसी किसे बंदे च अपने च फर्क देख रहे हो असल बंदा वह होंदा बाबा जी असल दिल का अमीर उस गुरु का जानिया होया उस गुरु का आशक वह है जिहड़ा नाल बैठे बंदे नूं इह ना पता लगन देवे कि तेरे च मेरे च फर्क की है बाबा सारी प्लेट बर्फी की चक्की मैं उदे नाल बह के बर्फी खाधी बाबा जी क्यों ओए बाबे ओ मैं हर स्टेज से कह रहा मेरी औकात पता की है जितने इंसान ये गल समझ गया उस दिन रब के दीदार होणगे मेरी औकात जिहड़े बाहर जोड़े पए आ ना उन्हां जोड़ियां दे विच जिहड़ी गंदगी लगी है उस गंदगी दे बराबर भी अजे मैं नहीं होया वह मेरे नालों गंदगी चंगी है तो मैं अपने आप नूं गुरु वाला कहना कदे भी नहीं हो सकता जदों किसानी धरना लगा सी ना बाबा पहले नारा सी कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद ते जदों वो फतेह हो गया अजकल झंडे ते लिखा किसान जिंदाबाद किसान एकता मजदूर किधर गया ओए जिहड़ा तुहाडियां राखियां करदा फसलां दियां जिहड़ा रात नूं जाग के सप कीड़ियां दी परवाह ना करदा होया तुहाडी फसलां दी राखी कर रहा ते तुसी की कहंदे हो कि वो माड़ा हो गया रात तो कोई उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं Thank you.
याद तेरी आया याद करावा बंदे औकात तेरी आया याद करावा जेड़े इश्क दे विच झुरिया फिरने सच दा शीशा बखावा आ जाओ बंदे आ जा तेनू तेरी औकात याद करावा दो किलो दा पैदा होया सी दो किलो दा ते जदों मरिया ते आखर दे विच दो किलो ही रह गया वो हड्डियां दो किलो ही राख बन गई ते बंदे दी औकात इस तो वध गोपर नहीं हैगी कदे जिंदगी च कमंड ना करे इस चीज का बी एच ये डौले ये छोले ये बंदूकां ये काम आ जाणगियां नहीं एक चोचले ने जिन्ना चिर कर सकदे कर लो और फिर भी जे किसे नू होर हंकार चढ़िया होवे जाके शमशान घाट का गेड़ा मारे हो पता लग जूगा तुहाडे तो वड्डे बली उत्थे राख होए पए आ जे फिर भी होर नजारा देखना है ओए कदे पीजीआई जाके गेड़ा मार के देखियो अठ अठ फुट सत सत फुट दी देहियां उत्ते चीर फाड़ के रखियां हुई डॉक्टरों ने यह औकात हिंदू पता की कह रहे आज के टाइम जो हमें सिखों से नफरत है सिख पता की कह रहे हमें मुसलमानों से नफरत है मुसलमान कह रहे हम दोनों को पसंद नहीं करते ओए जे एडा ही हिंदू ते सिख दा रौला होंदा ओ कलगी धर पाशा अपना परिवार क्यों वारदा बाबा जी हिंदुआ ते क्यों वारदा ओ कुल दा वाली ओ दीन दुनिया दा मालिक क्यों अपना परिवार वारदा जे हिंदू ते सिख दा रौला होंदा जे मुसलमान तो सिख का रौला होंदा ते मर्दाने नू अपने यार क्यों बनाउंदा बाबा नानक यार वो चीज होंदा जिहड़ा अपने आप तो अपने परिवार तो भी उत्तम मनिया जाता है वो गल्ला इंसान अपने भरा नाल नहीं कर सकता अपने माँ प्यो नाल कर सकता जिहड़ा अपने यार नाल कर सकता जे एडा साडा रौला होंदा ते बाबा नानक कदे भी मर्दाने नू अपने यार ना बनाउंदा भैन जी बाबा जी पया दे बदल पया ले जा इधर आओ हो गया पूरा सौ पया दे बदल पया ले जा हो गया पूरा सौ हसदी जानी थोड़ी है ऐवें ना तुरो तेरिया मन्नतां पूरी करे बापू इंद्र सिंह महाराज जी चढ़दी कला च रखे ये पया नहीं ये सौ मोड़न लगा एक गल याद आ गई इथे खड़ी रही हुण लैके गल कई बार स्टेजा ते कर देना ते बड़ी बड़ी वड्डी गल हो जाती है उन्हां महापुरशां वर्गियां करनियां कि नहीं करनियां बाबा जी संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज राणा साहब वाले संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज राणा साहब वाले उन्हां दे दरबार ते एक भैण आई कहिंदे दाता जी बाबा जी सच्चे पातशाह मेरा बेटा किसे काम ते ला दो काम ते ला दो सरकार ने जदों उन्हां दे वल देखिया उस धन गुरु नानक पातशाह जी ने जदों आशक ने उन्हां नूं देखिया उन्हूं पता लग गया कि कहानी की है उन्हें चेत नहीं छड़ी मंगण तो काम नहीं और संत बाबा ईसर सिंह महाराज कहन लगे कि भैने आ फड़ 50 रुपये ते लै जा कोई नहीं मुंडा भी लग जूगा उन्हें चार बारी मोड़ दिते मुंडे की जेब छपाए मुंडे ने फिर मोड़ दिते तीन बारी बाबा जी कहन लगे जाओ जे नहीं तो फिर ना ही सही जा वाहिगुरु वाहिगुरु आओ जी धन भाग जय हो जी आ जी आ जी आ जी आ ये प्यार चाहिए मैनू ये प्यार चाहिए ज
जिते जिते वो आशक बैठे राजा साहब सरकार ने एक होके रहन ये कदम चाहिए है। मैनू दुआबे च कोई ना बुलावे चलूगा पर मैं ये सहन नहीं कर सकता कि ये अलग अलग हो गए। प्लीज ईसर सिंह महाराज कहते जा बीबी चली जा। जो बाहर गई ओदा बेटा जेदे लिए मंगदी सी कि नौकरी मिल जाए वो अपना मोटरसाइकिल पता नहीं साइकिल सड़क तो पार चकन गया तो किसे साधन दे विच वज्जिया उहदी मौत हो गई। वो पची पची संतां को लाई सच्चे पातशाह एक ही हो गया कहंदा माई तेनू 50 रुपये नहीं 50 साल उम्र दित्ती सी मंग के उस अल्लाह पाक तो उस वाहिगुरु तो 50 साल उम्र मंग के दे रहे सी तेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा वार वार पिछे मुड़ी जानी है ते फिर उस घरों वाहिगुरु के निरंकार के घरों आवाज आई कि जे लेने नहीं चाहती तो फिर धक्के नाल देना क्यों ते जा फिर हुण साडे हाथ वस नहीं है वो चला गया ते चला गया। अज भी वह माई राणा साहब गुरुद्वारा साहब के सेवा करती है झाड़ू पोछे की सेवा करती है। कदे भी किसी फकीर नूं मंदा ना आख अपनी जबान चो जे किसी नूं कुछ दे नहीं सकते उहदे बारे बुरा कहण दा किसी नूं हक नहीं हैगा बाबा जी चाहे वह कोई मंगण वाला चाहे कोई तुरदा फिरदा कदे भी अपनी जबान चो किसी नूं माड़ा नहीं कहना आता जिउंदी रहे मालक तैनूं दरबार की जय। बापू ने तेनू बड़ा कुछ देना अज लैगी झोलियां भर के तू जाता भरी करे तेरे दे। आज उस गुरु नू याद करिए पहली पातशाही धन गुरु नानक पातशाह जी जेदे वर्गा पीर जेदे वर्गा फकीर जेदे वर्गा पैगंबर जेदे वर्गा वलिया औलिया दुनिया के पैदा नहीं होए तुहाडे जो लंगर कहने कहने छके एक बार ताड़ी मार के दसो बाबा जी जिन्होंने लंगर छकिया झूठ ना बोलो मेरे अंदर गया भी कढ़ा लेंदा जिन्होंने छकिया ताड़ी मारो एक बार जोरदार ताड़ियां ते जिन्होंने नहीं छकिया हुण ओह ताड़ी मारो मतलब ना छकने वाले ज्यादा ने अजे छकाउंदे आ मैं भी नहीं छकिया छकदे कट्ठे सारे कहिंदे एक मुसलमान भरा पूरी दुनिया की सैर करदा है यही तो मैं दरबारों से रो रहा बाबे यही गल कह रहा ओए हिंदू ते सिख मुसलमान का रौला नहीं अल्लाह क्या है मौला क्या है समझ लिए रौला क्या है समझो अज तो एक प्रण कर लो इस पिंड च कोई भी मिले गरीब तो गरीब अमीर तो अमीर आपस दे विच फतेह की सांझ करनी शुरू कर दो जदों कोई मिलता भाई खालसा वाहिगुरू फतेह जी चाहे उन्होंने कहो राजा साहब की जय हो चाहे उन्होंने कहो बाबू महेंद्र सिंह महाराज की जय हो जो भी तुम नारा लाते हो अज तो एक दूजे को लाना शुरू कर दो। मैं दावे नाल कहना अगले मेले से जे इतने कट्ठ पूरा आ गया तो मैं अपनी पेशाब नाल दाड़ी बना दूंगा शुरू करो। यह नहीं देखना कि यह गरीब परिवार तो है नहीं जे कोई गरीब ही मिले भैने सत श्रीकाल कोई वड्डी मिले भैन जी सत श्रीकाल माता जी सत श्रीकाल कख नहीं फर्क पैन लगा आर उस वाहिगुरु की लिस्ट ऐ शुरू हो जूगी तुहाडे पुन लिखण दे विच भी इन्होंने कर्म करना शुरू कर दिता है कर्म करना शुरू कर दिता। प्लीज ले लो अज इस दरबार तो यह गल्ला कोई होर नहीं दसूगा इतने गाउन वाला आउंदा है अपने ढोलकी बाजे कुट के चला जाऊगा पैसे ले दे जेब च पै चला गया पर मेरी ड्यूटी लाई उस अकाल पुरख ने ओ इन्हां नूं कह दे ये जुड़ जान इन्हां दा भला हो जाऊगा जे नाना इन्होंने वेला हाथ जे वेला चला गया टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो है तो है तो एक दो तीन हो जाती है स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है एक दो तीन हो जाती है एक दो तीन एक गड्डी जे एक बारी हाथों निकल गई नाम दी फिर दोबारा हाथ नहीं आने लगे। हवा जी
ईमानदारी हाथ खड़े करो फिर मैं लंगर वाली गल करनी है। राजा साहब के आशक केड़े एक बार हाथ खड़े करो जिंदे रहो। बापू इंद्र सिंह महाराज जी के आशक कौन कौन ने हुण हाथ खड़े करो सारे। ये मैं ता दो बारी पूछा जे तुसी राजा साहब सरकार जे अगर बापू नू देख दे बापू जो उन्हू देख दे समझो तुसी एक हो। और ईमानदारी नाल दस्सियो हाथ खड़ा करके चौंकड़ा किड़ा किड़ा लाउंदा है एक दिन एक 24 घंटे च जिंदे रहो। दो तीन ईमानदारी नाल चौंकड़ा लाउंदे हो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तुहाडा उधार होऊगा। ना होया जाके उहदे गुरु नहीं सी चौंकड़ा लाना शुरू कर दो तुहाडा उधार होऊगा। मैं उस दिन दस के आया बाबा जी उत्थे बैठे से इधर हेलो ओ बाबे वो हुक्म नहीं होया उहदे 10 रुपए लैण अंदरों आवाज आई कहिंदे नहीं इहनू 10 नाल 10 होर दे दे देते बाबे ओ जिहड़े चौंकड़ा ला लैंदे ना उन्हां लई भगती उपरों भी बैठा कर ले। तेरे भी ते गल आ गई है ये आप है तेरे भी आ गई तेरे भी दी गल मेरे को। आ जा तेरे 100 दी भी गल आ गई है आप है आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। क्या बात है इंद्र शाद बापू इंद्र दे दर्द मीह नेरियां वाले झूले ने जन्नत नाम करा लो बूहे खुले 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 ने। की होया एक बार एक फकीर बैठा एक बार एक फकीर बैठा बापू इंद्र सिंह जी महाराज हुण गल सुनियो कित्थे जांदी है। बापू इंद्र सिंह जी महाराज बैठे है मिट्टी दे घर बना के बेच रहे मिट्टी दे घर कहंदे आ जाओ जन्नत दे घर लै लो जन्नत दे घर लै लो जन्नत दे घर लै लो। बापू इंद्र सिंह जी महाराज मिट्टी दे घर बेच रहे आओ ओए आओ 50 रुपया दे दो ते जन्नत लै जाओ जन्नत दे घर। उथे एक राजा गुजरिया उथे राजा गुजरिया ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾੜੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਫਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੂਰਖ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਰਾਣੀ ਕੱਲੀ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੱਲੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਚੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜੰਨਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਬਾਪੂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਟ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਜਾ ਧੀਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ
जे साड़ी उथे नहीं ना मनी ते मन दे तेरी इथे भी चल नरका च। ये ऐसे होंगे बाबा जी, ये ऐसे फकीर होंगे ये को मंगना होना चाहिए, जिन्हों मंगना आ गया सारा कुछ लग गया, जिन्हों मंगना नहीं पता क्या मंगना ना आवे फकीर की करे, मंगना ना आवे फकीर की करे, राजा साहब झोली ना पावे ते वजीर की करे, और तेनों मंगना ना आवे ते फकीर की करे। चौंकड़ा लाने जेड़े मैं उधर भी गल कही हूँ, 24 घंटे गिने जे मेरी गल चंगी लग रही है ताड़ी जरूर लाओ, मैनू लगता बोर ना हो जाओ, ये गल्लां पल्ले बन के लेके जाने वालियां ने बल्ले बल्ले। वाह योदारा ना था 24 घंटे दे विच 4 घंटे कटन लगा, 4 घंटे कटन लगा, जड़ी सब तो महंगी चीज तो नु चाहिए है खाना पीना, 4 घंटे से खा लेते होंगे, उस तो वद के जड़ी नींद तुसी छड़ ही नहीं सकते, जेदे लिए तुसी बंदे मार के तैयार हो जाते, फड़ा हो जाते तो 8 घंटे की नींद कट दो, 4 ते 8 12 12 घंटे बच गए, ओदे विचो 4 घंटे कट दे तुहाडे काम कार दे 8 घंटे बच गए, 4 घंटे कट दिते बाबा जी ब्याह शादी दे विच कुछ कम कर ली, धंधा कर ली, कुछ छोटे मोटे कम नबेड़ ली, 4 घंटे बच गए, ओदे विच 2 घंटे गप्पा शप्पा मारन नू, किसे दोस्त नाल महफल बिठाउन नू, गलासी लाउन नू, लाउंदे भी है कई, 2 घंटे तुहाडे होर कट दिते, 2 घंटे बच गए, 2 घंटे तो घंटा होर कट दे बाबा जी, किसे नू सलाह मशवरा देन ली जंगल पानी जान ली घंटा रह गया, और एक घंटे चो तुहानू अद्धा घंटा होर दिता था मौजा मारन ली, उस अद्धे घंटे चो 15 मिनट होर दे दिते कोई छोटी मोटी फोन ते गल करन ली, 15 मिनट बच गए, जे 24 घंटे चो तुहाडे कोल 15 मिनट भी रब नूं याद करन दे नहीं ना है, फिर सोचियो ओए जिदा दे आए इदा नहीं वापस चले जाओगे। पहली गल तो पैसा ना देना वो चंगी गल, जे चंगा लग रहा सत्कार कर दो उत्थे रख दो, पर मेरा ध्यान भटकता है, ये देखो एक ढेरी ढेरी इधर इधर कणका इधर कणका विच कणका देखो, इधर कणका उधर कणका विच कणका देखो, डिग पई भज के आके चुप सजना डिग पई, भज के आके चुप सजना डिग पई, इधर रख दो चाहे उधर रख दो, गल सुनो पहली पाशी धन गुरु नानक पाशाह कहने के मुसलमान भरा पूरी दुनिया की सैर करके वापसी आया, आके अपनी अम्मी नू कहन लगा, अम्मीए दिमाग दे विच के सवाल घूम गया जवाब नहीं मिलिया, कहने जवाब की है, कहन लगा अम्मी जेड़े ये सरदार लोग ने ये पंजाबी लोग ने मां ये इन्ना पैसा कितों लेके आंदे कि दुनिया दे लंगर चली जांदे छकी जांदे चली जांदे छकी जांदे, अम्मी जान कहन लगी कहंदे पुत्र इन्हां दा बजुर्ग सी बाबा नानक जिहड़ा 20 रुपए दी एफडी करा के गया, अजे तक सिखां नूं ब्याज नहीं मुक्या, मूल बैंकां च वी जमा पिया, ताड़ी मारो इक बार, अजे तक सिखां नूं ब्याज नहीं मुक्या, ओए उत्थों तक रहूगा जिथां तक तुसीं सच का साथ देते रहोगे, जितने तो सच का साथ देना छड़ गए तो धन गुरु नानक बाद छड़ दू, कहते मेहता कालू जी ने श्री मेहता कालू जी ने जो धन गुरु नानक पातशाह जी को घरों भेजा होगा तो की क्या होगा सुन के जरा, आ ले 20 रुपये ते जा नानक, आ
ਵੀਰ ਪਈਆ ਤੇ ਜਾ ਨਾਨਕ ਵੀਰ ਪਈਆ ਤੇ ਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਫਾ ਤੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੁਖਾਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੋਚੀ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਫੇਰ ਖਾਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਸੁਣਿਓ ਵਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈਆਂ ਖੁਦ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਦੀ ਆ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਪਈਆ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਪਈਆ ਦੀ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਾਨਕਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਵਾਇਆ ਜੇ ਫੁੱਲ ਪੱਲੇ ਖੇ ਸੌ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀਰ ਪੀਏ ਸੀ ਜੇ ਸੌ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਹਾਲ ਜੇ ਫੁੱਲ ਪਲੇ ਕੇ ਸੌ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਲੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਲੋਕੀ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ ਪੁੱਲ ਪਲੇ ਕੇ ਸੌ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਲੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਈਆਂ ਦੀ ਆ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਸਨ ਜਹਾਜ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਪਈਆਂ ਆ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਸਨ ਜਹਾਜ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਪਈਆਂ ਆ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਸਨ ਜਹਾਜ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਪਈਆਂ ਆ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਸਨ ਜਹਾਜ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਪਈਆਂ ਦੀ ਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਛੇਵਾਂ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਸੱਤਵਾਂ ਬਾਪ ਵਾਰਿਆ ਸੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਪਟਨਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਲਓ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਕਿ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੁਣਿਓ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਤ ਮਟਾਉਂਦੀ ਪਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਟਾਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ
पटना दे विच हो के आए बियाबान कुछ जंगल उथों दा एक कोई राजा कोई व्यापारी एक बंदा धन गुरु नानक पातशाह नूं कहण लगा सच्चे पातशाह साढ़े घर ठहरो सच्चे पातशाह मेरे घर ठहरो लंगर पानी छको सतगुर ने कुछ समा उन्होंने घरे बताया और जिंदा रहे सरदार साहब वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु फतेह धन गुरु नानक पातशाह जो मुड़न लगे वह बंदा कहता जी सतगुर अगर एक रात साढ़े घर होर रुक जाओ बड़ी मेहरबानी धन गुरु नानक पातशाह जोश कह लगे कहते एक रात नहीं असि रुकना ही इतने कहते जी कदों कहते दसवें जामे जावे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए दसवें जामे अज पटना के उन्होंने जन्म होया जी उत्थे हो गया ये गुरु नानक पातशाह जी के बोल उस इंसान वादा करके आए थे दसवें जामे चाहवे तो पटने के साडा जन्म होगा असं इतों नहीं कहावे उन्होंने पटने के जन्म होया बाबा जी ये बड़िया डूंगिया गल्लां ने मैं गुरुद्वारा साहब सिंह शहीदां गुरुद्वारा मोहाली दे विच बैठा एक बिहार का भैया आ गया लंगर छकन चार बंदे सुनियो इत्थे भी किड्डी वड्डी गल है बिहार का भैया आ गया लंगर छकन ते सरदार भरा बैठा जिते गेट हुंदा गेट दे उपर कहिंदा ओ भैया ओ बिहारी भैया इधर रुमाल बांधो सिर पे कहना जी हाजिर बांध देंगे कोई दिक्कत नहीं हम अभी बांधते हैं हमने तो आनो उन्हें गाल कट के गल की थी तो आनो कहते सड़े अकल है नहीं अरे भैया बड़ा पढ़िया लिखा सी बाबा जी उन्हें जेड़ी गल कही उस साढ़े सरदार भरा दे मुंह बंद कर दिते कहते ओए सरदार साहब हम तुम्हारा भी इज्जत करते हैं हम इस गुरु घर को भी सलाम करते हैं आप हमें भैया बोले क्यों बोले क्योंकि हम बिहार से हैं पटना से हैं फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी पटना से भी उनको भैया क्यों नहीं बोलते फिर बोलो बोलो अगर हम बिहार से हैं पटना से हैं आप हमको ए भैया ए फलाना फिर कहते तुहाडा दसम पिता और पुत्र का दानी भी कहते पटना साहब बिहार तो फिर उन्होंने क्यों नहीं कहते तुसी ए भैया इधर आओ जे वह अदब करना चाहते फिर साढ़े भी अदब करो असं शहर से हैं ता कहना सब का आदम करया करो सब नु मन्या करो सच ने ये गल्ला सच ने बाबा जी ता कह रहे हैं चार उदासियां चार दिशावां कीतियां बारो बारी जात पात दा भेद मिटाउंदी बाले मरदाने दे नियारी आप ही लाज तू रख ली काशी दे चलदे पहिया दी अब ते ना सन ब्याज नानका तेरे वीर पहिया अच्छा जो कोई मैनू उठ के दसे कि दुनिया का एक ऐसा राजा होया जेड़ा एक भी जंग नहीं हारे उहदा नां दसो कोई दसोगे हाँ जी दसो जी और राजा नहीं वो तो परम पिता परमात्मा राजे की गल की बाबा वह ही आशक थी उन्होंने ही मनने वाला दसोगे कोई महाराजा रणजीत सिंह आ जा बाबा हूं असी वादे तो मुकरने वाले बंदे नहीं नौ रुपये फालतू दे रहे हैं ये किसे जामे में ले लूंगा जे मैनू घटदी वेखी पेमेंट मैं तेनू कह लूंगा ते हुण ए सुनियो महाराजा रणजीत सिंह एक भी जंग नहीं हारिया ते ओ हारिया क्यों नहीं ए भी सुन लो हुण उथों लैके ओ जिहड़ी भैण गोद च बैठी अपने मां दे उथों लैके ए साउंड वाले तक जिन्ने लोग सुनदे आ सुनियो ओ हारिया क्यों नहीं जे तुसी भी ओही पल्ला फड़ लिया ते फिर जंग तुसी भी नहीं हार दे बाबा जी सुनियो जरा महाराजा रणजीत सिंह ने अपने घर की स्थापना की अपना महल बनाया उस महल के फ्रंट गेट के उपर एक कमरा तैयार कराया उस कमरे के श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश किया क्यों
क्योंकि अपने अंदर एक अकीदा बना लिया, यकीन बना लिया, एक एक अपने अंदर गल पैदा कर ली भी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नू कहण तो बिना घरों निकलना नहीं, ओदी आग्या लैण तो बिना अंदर वड़ना नहीं। जदों भी जांदा है ग्यारहवें गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज अगे खड़े होकर कहता सच्चे पातशाह अज फलाने थां चलना, चलो मेरे नाल जिवें असीं घरों अरदास करके निकलदे आ, पूरी टीम खड़े होके तैं गाउणा, गड्डियां तैं चलाउणियां, ब्रेकां तैं लाउणियां, माड़े लोकां तों माड़ियां नजरां तों तैं दूर रखना सच्चे पातशाह, तैं अपने साउंड दे उपर खड़े होना, तैं वजाउणा, साडी कोई औकात नहीं असीं गा दईए ते ओह इस वेले साडे नाल विराजमान। ओ गवारिया बाबा मेरे कोल कोई किताब नहीं, मैनू दो तो ढाई घंटे हो गए मैं किसी वाल देखिया तक नहीं, वह आप बोलता, वो आप बोलता महाराज, मैं नहीं गाँगा, वो आप बोलता, मैं कोई किताब नहीं। जे मैनू तुसी बारह घंटे कहोगे ना कि बारह घंटे वो उस तत्ते विच गल कर, मैं गाउण करन वाला करा रहा बाबा जी, मैं करी जा रहा, वो करा रहा, मैं करी जा रहा। महाराजा रणजीत सिंह उस तत्त करके निकलते हैं, एक बार की होया जंग लग गई एक वड्डे राजे दे नाल, जंग लग गई, महाराजा रणजीत सिंह नूं आके संतरी ने कहा महाराजा जिहदे नाल जंग लगी उहदी करोड़ां दी फौज आ साडे कोल ते हजारां लखां दी। कहिंदा कोई गल नहीं, जे असीं जंग लड़नी होवे तां सानूं डर होवे, जंग लड़न वाले ने लड़नी है, असीं कौन आ डरन वाले, जंग दी तैयारियां हो गईआं, जिस दिन निकल लगे नगाड़ा बजा के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दुआ फरियाद की, अपनी तलवार रखी सच्चे पातशाह किसे माड़े दा गल कट्टन नहीं जा रहे, एक न्याय दे अन्याय दी लड़ाई हो रही है। महाराजा रणजीत सिंह जी अज हिस्ट्री बारे थोड़ा जिहा दस्या, मैं महाराजा रणजीत सिंह दे गुणा बारे दसण लगा। महाराज रणजीत सिंह गुरु ग्रंथ साहब की ओट लै के जो कुछ भी उन्होंने किया, नीच तो ऊंच तकर प्यार रखिया, एडा बली सी ओह, औरंगजेब जिन्हें बादशाह बाहरले सी अपनी फौज भर्ती की, भर्ती करके अंग्रेजां नाल जंग लड़ी, उन्हां गोरियां ने भी लड़ी जंग, इन्हां ब्रिटिश दे गोरियां नाल जंग लड़ी, उस बंदे नूं नीच ऊच दा फर्क कोई नहीं है, उस बंदे ने मुसलमान नाल भी प्यार किया, उस महाराज ने पूरा अपनी महाराजी नवाही, कोई किसे दे विच फर्क नहीं छड़िया, सारियां नूं एकता विच लिया के गोरियां ने जंग दित्ती। एक साडे हिंदुस्तान दे विच जिन्हें पछमी दखणी दे इलाके सी वह जीर हजूरिया सी, वह डरपोक सन, इस करके गोरे दबाव पा गया, अखीर दे विच पंजाब दे विच राज करन दा उन्हां नूं दबा पा लिया, उन्होंने गोरिया ने दबा का के महाराजा रणजीत सिंह ते राज खुआया। इन्हां दे जिन्ने सिपाही से जिन्ने इन्हां दियां बारह मिसलां सियां सारियां नूं खेरू खेरू कर दिता, खेरू खेरू करके उस महाराजे नूं अज भी याद करदे आ। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब दे विच सोने का शतर जराया, गुरु ग्रंथ साहब नूं मानता इन्नी दित्ती आ, गुरु ने उहदे नाल सारा कुछ ठहर जा नहीं कंबी जान दे तूं बह जा, हथ कंबने कोई गल नहीं है, गल तां सच्ची करनी आ। देखो जो इन्हां ने गल्लां कीतियां ओ गल्लां नूं लड़ बन लो प्लीज, ओ सारियां भले दियां आ, इन्हां नाल बरकतां पैणियां।
चंगी गल है साडा इंजन ना ठंडा हो रहा मैं तां कह रहा सी बाबा तुसीं टाइम खुला लिओ साडे तों बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी वड्डी गल है आ जाओ भाई मुंडे लाली खैरा साडा भरा गाऊगा मेरी गल बिच ये रहेगी कि जंग जीत गए और कलगी दरबाशा और गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी और आसरा लेके जीत गए जदों जीत गए वापसी घर आए वापसी घर आए जदों अपने दरवाजे च बड़े महाराजा रणजीत सिंह जी अपने जोड़े उतारे ते श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे कमरे च जाके अंदरों दरवाजा ला के अपनी दाढ़ी नूं फड़ के अपने मुंह दे चपेड़ा मारन लग गए महाराजा रणजीत सिंह अपनी दाढ़ी नूं फड़ के अंदरों कुंडी ला के अपनी दाढ़ी नूं फड़ के चपेड़ा मारन लग गए बाहर खड़े आ हरी सिंह नलवा हरी सिंह नलवे ने देखा कि महाराजा अंदर किस चीज नूं चपेड़ा मार रहे क्यों अंदर आवाज आ रही है बिना हुक्म तो दरवाजा तोड़े अंदर बढ़ गए जाके क्षमा मंगी महाराज गल की है ओ दुनिया दा मालक जेदे अगे झुके होए ओदे सामने महाराजा रणजीत सिंह गल की कह रहे सुनियो कहंदे कहन लगे कहंदे जंग जिताउण वाला ए जंग लड़न वाला ए ओए उस वेले जित वेले मेरे मन दे विच गल किदा आ गई जंग मैं जित्ती आ मेरे अंदर ए मैं ए अहंकार पैदा किवें हो गया हरी सिंह नलवा ने हाथ फड़िया कहते सच्चे पातशाह ए बख्शनहार है जे तुसी अपनी गलती मान ली ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब मारे बख्शनहारे ते बख्श लिया ओने गलतियां मंगिया ओने रोए करलाए सच्चे पातशाह तू दुनिया दा मालिक तू दीन दुनिया दा करनी धरती दा मालिक मेरे च अहंकार पैदा होया मैं इस चीज की माफी चाहना बाबा जी ओदे वर्गा राज नहीं किसे ने करना ते बंदा एक एक धी दे विआह च 10,000 रुपये दे के पता की कहन लग जांदा मैं 10,000 दिता है किसे गरीब की मदद करन तो बाद मैं इहदी मदद कीती है ओए किसे दा इलाज करा के कहंदे असी दा इलाज कराया है डुब मरना चाहिए उस इंसान नूं तैनू शुक्र मनाने चाहिए कि अरबां खरबां की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की ओदे विच तेनू चुनिया बाबा जी ओने किसी का भला कर ली एदा तेनू फकर महसूस होना चाहिए एदा हंकार पैदा करने वाली गल नहीं है कि मैं उन्हें दे के आ गया नहीं अरबा खरबा की जनसंख्या जो तेनू चुनिया किसी का भला करन लई कि एनू एनू मान महसूस कर एनू गुप्ती रख बाबा जी ज्ञान ज्ञान कदे दसन वाला नहीं ज्ञान दबा के रखने वाला है वंडन वाला है चुप चुपीती ज्ञान दे रौले नहीं पाई दे ये सच है जे कर तुसी इस दरबार नू बापू इंद्र सिंह जी महाराज नू प्यार करदे हो अज तो एक प्रण ले लो घरों जदों भी निकलना है जदों भी अपने गुरु पीर नू याद करके निकलना सच्चे पातशाह असी फलाने काम चले हां ते फतेह करी ओ काम नेकी दा होना चाहिदा है ओ नेकी दा काम होना चाहिदा ए नहीं चले ओ किसे दा डाका मारन ते कह दो आ जा बापू इंद्रपाल सिंह नाल चल साडे नहीं ओ काम अदब दा होना चाहिदा है ओ सलीके दा काम होना चाहिदा है ओ तुहाडा अपना काम होना चाहिदा है सच्चे पातशाह चलो नाल ते मैं दावा करदा इस चीज दा जे ओ मैदान फतेह ना करके आए ते बाबे जी असी गाउणा छड्डदे जिन्ने मेरे नाल आए सारे तो भारी साडे लिए है मैं हमेशा स्टेजां ते कहना होना ना इहदे जोड़ियां नूं सलाम है ना इहदी वर्दी नूं सलाम है ना इहदे इस दाढ़ी नूं सलाम है ना इहदे शरीर नूं सलाम है इहदी पग नूं सलाम है बाबा
कलगीधर पातशाह ने पूरा परिवार वार के लई इहदी पग नूं असीं जदों तुरदे आं उदों वी इहनूं सलाम करदे आं ते जदों इत्थे खड़ा ते इत्थे वी इहनूं सलाम करदे आं। असीं नौकर आं दे बाबा जी, असीं नौकर आं दे। इस पग नूं सलाम है, इहदे पाए होए पंज ककारां नूं सलाम है। इह उह गुरू दी फौज है जिते खड़ जावे फिर दुश्मन की ताकत नहीं है कि वह उस लकीर तो पार ना बजूगा। ये ने बाबा जी आर्मी चो गुरु की लाडली फौज बन के आर्मी च सेवा करके आए हैं। अजे तक यदा रिकॉर्ड है, इन्हें जवानी किस तो रिश्वत नहीं ली। क्यों? क्योंकि यह गुरु कलगीधर पातशाह का पुत है, इन्हें त करके रिश्वत नहीं ली। सलाम है बाबा जी, थानू सलाम है। योदे बसते रहो, वाहेगुरु तुहानू चढ़दी कला च रखे, नेकिया बख्शे, तुहाडे परिवारां च आनंद बख्शे, आए तैनू गुरु का ज्ञान बख्शे। मेरा दादा चढ़दी कला च रखे आ जाओ। दुनिया विच महबूब हजारा ते बापू इंदर सिंह दा वखरा नां दे जिहदे हुसन जमाल दा चर्चा सी सुनिया दूर दराजे। वलियां दा सुल्तान सदा ए पाक दा मेहर मराजे, ए सरबार दी की सिफत करा ए आप दुनिया दा सरताज। बापू मेरा सब तो सोना ए दे वर्गा हो नहीं होना, ए दे वर्गा हो नहीं होना, ए दे वर्गा हो नहीं होना। आ बापू मेरा सब तो सोना ए दे वर्गा हो नहीं होना, ए दे वर्गा हो नहीं होना, ए दे वर्गा हो नहीं होना। जे दे तर तो लुट दे लोकी खुशियां संसार दिया, आओ रल मिल गल्ला करिए बापू सरकार दिया, आओ रल मिल गल्ला करिए बापू सरकार दिया, आओ रल मिल गल्ला करिए दादा सरकार दिया। पंजाब दे विच एक नवी चीज खुलन जा रही है, पंजाब च आ जाओ बाबा जी। मैं बस एक पांच दस मिनट होर हाँ, उस तो बाद तुसीं आ जाओ। पंजाब दे विच एक चीज खुलन जा रही है, ताड़ी मारो उहदे नां दे एक बारी, जोरदार ताड़ी मारो बाबा जी जोरदार। और चीज पता की है, पंजाब च नशा छड़ाऊ केंद्र ते बहुत खुल गए, उहदे नाल नहीं रजे हुण असीं पंजाब दे लोक। हुण फोन छड़ाऊ केंद्र खोलणगे पंजाब दे, फोन छड़ाऊ केंद्र। मजाक नहीं कर रहा, यह मैं बापू दे दरगाह ते कह के जा रहा, इस रोजे ते इस मजार ते कह के जा रहा। जिद्दां दा हालात साडे नौजवानां दा हो चुके है, साडियां छोटी छोटी बच्चियां दा, साडे छोटे बच्चियां दा, जिहड़े फोन तों एक मिंट दूर नहीं रह सकदे, ऐसा टाइम आऊगा नशा छड़ाऊ केंद्र की जगह फोन छड़ाऊ केंद्र खोलणगे बाबा जी। तू उसे वेले बापू आके हाथ साडा सी फड़िया, उसे वेले बापू आके हाथ साडा सी फड़िया, तू उसे वेले बापू आके हाथ साडा सी। साडा भरा अमरजीत सिंह यूएसए, अमरजीत सिंह यूएसए चिंगड़ा पिंड तो, मैं सलाम करना उस बंदे नूं। उस इंसान दे विच मैं एक चीज लभी है, मैं उन्हों दर्जा देना कि वह सच्चा आशक है। इस करके नहीं कि उन्हें मेरे प्रोग्राम लाए, यूएसए च रह के हंकार का एक तिनका तक नहीं बाबा जी।
एको गल कहिंदा कहिंदे होर भी नीवा होर भी नीवा होर भी नीवा होर भी नीवा ते जेड़ा नीवा हो जांदा है फिर ओनू उच्चा करदा है मेरा सच्चे पातशाह ओनू उच्चा करदा है सल्यूट है अमरजीत सिंह भरा तेनू जे तू सोशल मीडिया राही देख रहे हैं दाता तेनू चढ़दी कला रखे बापू इंद्र सिंह जी महाराज वो राजा साहब तेनू राज गद्दियां बख्शे बाबा बापू तू हाथ साडा सी फड़िया उसे वेले बापू तू हाथ साडा सी फड़िया मजारे तो लुटदे लोकी खुशियां संसार दियां आओ रल मिल गल्ला करिए राजा साहब दरबार दियां राजा साहब दरबार दियां आओ रल मिल गल्ला करिए राजा साहब दरबार दियां आओ रल मिल गल्ला करिए मेरे सोने यार दियां मैनू गाउन तो पहले भाजी ने हमने कहा कि तुसी सभ्याचारक गाओ जो मर्जी गाओ पर मैनू लच्चर गायकी आउंदी नहीं एक योधे की गल कर लगा जेदे वर्गा योधा ना किसे मामा ने जमना दे ना ही कदे होना कौन है सुन के जरा उत्तम सिंह का ना जद सुन दे गोरे पानी पीते पुण के गोरे पानी पीते पुण के गोरे पानी पीते पुण के अज भी गल है जदों गोरा कोई उधम सिंह दे भगत सिंह दा नाम सुन लैंदा ना ओदे कन्ना दे परदे खुल जांदे कौन वाओ ये वाओ एदा हुंदा उहना योधियां दी जे कोई गल करे उधम सिंह दा नाम जद सुन दे गोरे पानी पींदे पुणका गोरे पानी पींदे पुणका आ जल्लियां वाले बाग दा करजा जल्लियां वाले बाग दा करजा ब्याज समेत ना ला जावे उत्तम सिंगना आ जावे अज भी गोरे डरदे ने किते उत्तम सिंगना आ जावे अज भी गोरे डरदे ने किते उत्तम सिंगना आ जावे ओए अज भी गोरे डरदे ने किते उत्तम सिंगना आ जावे यारो उस वैर दियां आंदरा कट के रख दितियां सी ओ जनरल डैर दियां आंदरा कट के रख दितियां सी ओ जनरल डैर दियां किसे दे घर जाके मारना कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं हैगा बाबा जी ओ योधे ही कर सकदे आ जिन्हां नूं थापड़ा हुंदी है गुरुआं दी अज भी गूंजा पैंदियां कन्नी आ यारो उस वैर दियां आंतरा कट के रख दितियां सी उस जनरल डैर दियां हनेरी वांग आके जेड़ा तख्त साडा ना हिला जावे अज भी गोरे आए अज भी गोरे डरदे ने कदे उत्तम सिंह ना अज भी गोरे डरदे ने कदे उत्तम सिंह ना आ जावे अज भी गोरे डरदे ने कदे उत्तम सिंह ना आ जावे काशी लोको पैना थोनू मनना भगत सिंह पैना थोनू मनना भगत सिंह वर्गा पुत आ किसे मान नी जमना अब आवे हो 21 22 23 24 साल दी उम्र दे विच फांसी ते चढ़ जाना है ए कोई छोटी गल नहीं है ए भी किसे फकीरी तो घट नहीं हैगा तुहाडा दिल करदा है तुहाडा बच्चा ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ
ताड़े बच्चे तो सूल लग जावे तो तुसी जल्दी बुलाओ डॉक्टर नू, जल्दी लेके जाओ। धरना वो मां का जिगरा देखो, इतिहास कहना है कहते भगत सिंह की मां नू जदों आखिरी बार मिलन दिता सी ना, मां जदों अंदर देखिया ते पता सी कि अज कल दे विच फांसी हो जानी है। भगत सिंह अपनी मां तो एक चीज मंगता है, एक चीज, मां मैं रब को तो नहीं मंगता, मैं तेरे को मंगन लगा, दे देंगी। और कहती तेनू जन्म दिता, बोल की मंगना है। भगत सिंह कहता मां, कहना जदों मैनू फांसी होवे ते जा इत्थों मिल के तू बाहर जावे, तेरे अख च अथरू नहीं आना चाहिए। वा जे तू रो पई ते मेरी कीती हुई कमाई व्यर्थ चली जानी है। लोगों ने कहना आ शहीद भगत सिंह की मां रो के निकली है, रोई ना तू, खुशी मना जाके तेरा पुत्र मौत नाल ब्याह कराउण चलिया है, मौत नाल ब्याह कराउण चलिया है। इस दुनिया लई, इन्हां लोकां लई तैनू फक्र महसूस होना चाहिए, ओहदे वर्गा पुत किने जम देना बाबा जी। जो भी कहता काशी यारो भैना थोनू मनना है, भैना थोनू मनना, भैना थोनू मनना, भगत वर्गा पुत किसे होर मान नहीं जमना, होर मान नहीं जमना, होर मान। बीतियां हुई गल्लां याद करा के भाजी होर सिर ना चढ़ा जावे, अज भी गोरे डरदे ने किते भगत सिंह ना आ जावे, अज भी गोरे डरदे ने भगत सिंह ना आ जावे, अज भी गोरे डरदे ने भगत सिंह ना आ जावे, अज भी गोरे डरदे ने भगत सिंह ना आ जावे, हाय अज भी गोरे डरदे ने उधम सिंह ना आ जावे। मैं क्या सी दो घंटे रुकना नहीं तो रुके नहीं, हूँ अगला टाइम कर दे। हाँ जी, हाँ जी, इश्क चीज मस्त मस्त, जरूर जरूर। मैं तो कहना कहना बारहवीं बरसी खट नू गया सी, खट के लिया पूरा भी हंसन माफ करो टाइम हो गया पूरा, पर नहीं असी ये गल नहीं कहनी, टाइम साढ़ा क्यों पूरा हो गए, उन्हां मुर्शदां दे दर ते आ, उन्हां रब दे आशकां दे दर ते आ, कित्थे रब नू गलत सुन जावे वी टाइम हो गया पूरा, ते कल नू साढ़ा राम नाम सत हो जाए। टाइम नहीं पूरा कराना, सी असीं कहने आ बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदे चावांगे भाई, असीं ते रब दे घर च होर टाइम लावांगे, होर टाइम लावांगे। आप पैसे साइड च करो शरा माड़ा जिहा। अच्छा बाबा जी, एक बारी जोरदार ताड़ियां मारो, 60-70 साल पुराना अखाड़ा चल रहा नाल ही, उस अखाड़े लई इदां दे काम करने चाहिए पंजाब नूं। हरदीप साडा भरा मोहाली ड्यूटी है, पुलिस डिपार्टमेंट दे विच है, उस तो पहला उह जिन्हां दे नां ते भी अखाड़े चल रहे आ उन्हां उन्हां बब्बर शेरां नूं मेरा सलाम है। उस खाड़े दे फ्री डाइट, फ्री उन्हें सिखाई दी जाती, कोचिंग दी जाती है। बाबा जी, मैं पहले फोन छड़ाऊ केंद्र किया तो चल जूगा, अपने बच्चों नशियां तो बचा लो, चंगे रह जाओगे पंजाब बचूगा, अपने बच्चों नशियां तो बचा लो चंगे रह जाओगे। साडे कोलों एक नशा लगा वही नहीं पूरा हो रहा, रोटी का नशा लगा साढ़े को रोटी नहीं पूरी हो रही बाबा जी, बाकी नशे करने साढ़े को गुंजाइश नहीं हैगी। ये नौजवान तुसी देख रहे हो, एक बार अगे आ मेरे शरा, यो योधे ने जिन्हें पंजाब का नाम रोशन किया, 2.5 क्विंटल वेट चक्या सी बाबा जी, जिहदा रिकॉर्ड एशिया च कोई तोड़ नहीं सकिया, गोल्ड मैडलिस्ट सीगा, अजे तक एशिया च किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़िया इहदा, इहो है पंजाब का नौजवान। तो देखो बिना नौकरियां तो धक्के खा रहेगा, साड़ी पंजाब की हालत यह हो चुकी है। योजे योजना और साढ़े वर्गे देखो नंग मलंग बंदे कमाई कर रहे खा रहे, सच्चाई है
आ देख लो जिन्हों ने मेहनत कीतिया ने वो नौकरी तो बिने। मैं गुजारिश करूंगा इन्होंने सरकार कि जे मान साहब सारी पार्टियां भुल के रब ने तेरी सोनी ली है ते तेरे तेरे च थोड़ी जी दया होनी चाहिए तू इन लोगों की सुन बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। और उस तो वड्डी खूबी की गल दसा तेरा मोबाइल कड़ी शरा ये मोबाइल है इस बंदे को मनते हो इन्हें गोल्ड मैडलिस्ट ता जितया गोल्ड मैडलिस्ट ता बने जेने फोन नू प्यार नहीं किया देखो ये नंबर भी कसे पे देख नहीं रहे कि असी साडा बच्चा दसवीं पास कर जाए असी उन्हें एंड्रॉयड आईफोन ले देंगे फोन ले देंगे तो असी अपने बच्चों नू आप नशे ला रहे हैं। ज्यौदा रहा भरावा मालिक तेन चढ़ती कला च रखे दाता तेन चढ़ती कला च रखे खुश रह एदा ही बना के रखना है। नौकरी नहीं मिली कोई गल नहीं पर उहदे घर दे नौकर बन के जरूर रहना है वह आपे ही बेड़े पार लाऊगा। बोलिए सच्चे दरबार की असी तो जो है अंदरों उ बहरों जो बहरों अंदर ये नहीं इतने गल् गुरु घर दी जाके रोकी माड़ा ठेके से वो सामने पगला नहीं होना साढ़े जे काम ने जी जी। मैं दारू पीना जरूर हाँ मैं पहले भी दस के हटिया पीना पर मैं वह पीना जी थानू भी पीनी चाहिए है थानू भी वह पीनी चाहिए है। देखो कि दारू पीनी है तुम शराब ने मैनू चढ़ना की ते मैं आप शराब नू चढ़ जावा ऐसी कोई दुनिया की दारू बनी नहीं जो सानू सानू नशा कर सके सानू उहदे नां दा नशा बाबा जी कोई नहीं पूरा हो रहा शराब 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 ने मैनू चढ़ना की ते मैं आप शराब नू चढ़ जावा जदों मैनू कोई लभण आवे ते मैं बोतल दे विच वड़ जावा। आओ आ जाओ आओ सारे मौत बहार कर लो घटा इस मजारे उत्ते शाही होई है मेरा बापू भी भर भर पिलाई जावे जिन्हू भी किसे ने पिलाई होई है ना ए संतरे दी ना माल्टे दी ना ए संतरे दी ना माल्टे दी ओ ठेके तो नहीं मिलदी मिलदी कित्थों है ना ए संतरे दी ना माल्टे दी ते ना अंगूरां दे रस चो खिचाई होई है ना बिस्की पर रानी ते ना देसी ते ना ही लंदन चो मगाई होई है आई कि थों मेरे यार ने आप तैयार की थी मेरे साईं ने आप तैयार की थी ऊपर मोर बापू इंद्र सिंह जी दी लाई हुई है पीण वाले जरा गौर नाल पियो राजा साहब दे दरबार चो राजा साहब दे दरबार चो ए बाबे नानक दे दरबार चो ए कलगी धर पातशाह दे दरबार चो ओदे नां दा नशा करो ओदे नां दी दारू पी के देखो जिंदगी भर नशा नहीं उतरना। मैनू बहुत सारे बंदे कहंदे है वह जिन्ना तू गला पाड़ के गाउना कहिंदा मीट खाया कर गला ठीक रहिंदा है अंदरों शरीर सैट रहिंदा है सैट करके करना की बाबा जी जितन उहदा बुलावा आ गया उदों तुर जाना जे मीट मेरी यह गरंटी लैंदा है कि मैं 150 साल जीऊंगा तो मैं कल ही शुरू कर देना खाना जे चिकन मेरी यह गरंटी लैंदा लिख के भी मैं 150-200 साल जीऊंगा तो मैं कल ही खाना शुरू कर देना पर जो किसी चीज़ की गरंटी नहीं हैगी फिर जिदा दे है ठीक है बाबा जी जिदन वह बुलावा आ गया
सब तो बड़ा सिकंदर पता कौन है? पता है समा जड़ा किसे दिनी सुनदा, किसे दिनी सुनदा समा। सब तो बड़ा बलवान सिकंदर है, माड़े दा भी नंगी जाना चंगे दा भी, ते वटे वटे खा करके रख दिंदा। चुपो जी, ये सिंह लियाओ जी। मैं उदन भी सवाल पूछा सी बाबा जी, मैं कोई जेड़े राजा साहब सरकारां नूं प्यार करते हैं उन्हां कोल कोई 50-50 नोटां दी फैक्टरी है? मैं उदन भी पूछा सी, उदन भी जो भी दाता जी की हजूरी दे विच बैठा सी, जेड़ा भी सानूं सत्कार लई देन आउंदा सी, 50 दा नोट कित्थे? मोदी ने 50 ली नोट की मशीन तुहानूं तां नहीं दित्ती हुई? मेरा मालक जे 50 दे हुण 500 दी कर देवे, मैनूं नहीं देने, तुसीं आप रखे अपने को, मैनूं तो 50 ही बहुत ने, ज्यों दे वसे रहो। ते कौन कौन करूगा इस दारू का नशा जिहड़ी मैं दसी है? कौन कौन करूगा अज तो इस नशे नूं? कौन कौन अपनाऊगा? हाय हाय, पानी बारे तो मैं लास्ट च बोलूंगा, मैनूं क्या होया पानी की गल जिहने सुन ली, क्या बात है। हाँ जी, आ जाओ। जेड़िया सूरतां चरण च वारियां ते ला वे मुंडियो, ढोल आलिया तबले वाले ढोलका लिया, कीबोर्ड वाले तो पैड वाले तो साउंड आलिया, ते नाल कोर्स वाले हो। हुण 15 मिनट मेरे कहीं दिलो ध्यान, मैनू पौन आउन लगी है, पौन बड़ी खतरनाक आनी है। जेड़िया सूरतां चरण चुबारियां ते, एक दिन चखा ते चढ़दियां वेखियां मैं, जिन्ना जुल्फां नूं इत्र दा तेल लगे वांग घास दे सड़दियां, छजूरामा जो सूरतां तुर जहान गईयां, पिंडना वर्दियां मिट्टी दा तू बाबा बंदिया, मिट्टी दा तू बाबा बंदिया, मिट्टी दा आ मिट्टी दा। मिट्टी दा तू बाबा बंदिया, आंच लगी फुर जाना एक दिन काशी पहाड़पुर वाले आवे, बिना दसिया तू तुर हा, बोली बोल मिट्टी दे यार। मेरा सोना माही आ जा।
ਬਰੀ ਹੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਗਾ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਐਸਾ ਮਜੇ ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਸੂਦ ਕੱਤ ਕੇ ਤੇਰਾ ਚਰਖਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਸ਼ਿਵਰੰਜਨੀ ਬਣਾਓ ਪਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਪਰਛੜੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਲਾਲੀ ਲਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ ਬਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾਸ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ
हाँ जी हाय हाय कहते मेरे सैल कटे से जो सवेरे फोन किया कहते भाजी मैं आ नहीं सकना सैल कटे मैं क्या मैं डब्बी सैलों की लेके आऊंगा सारे सैल तेरे ला देने चार्ज कर देना तेने तू आ जा हूँ पूछ के देख लो जे सैल उपर दी ना हो गया हूँ तक क्यों रहा दाता बलि कर आ जाओ रखो पैर की भाजी अच्छा गल सुन लो जेकर तुहाडे जो कोई उठ के गया मैं कवाली उत्थे बंद कर देनी क्योंकि कवाली मैं उत्थे गाउणा जिथे सुनने वाले बैठे हो अपने फोन कोई भी बंदा तुहानू फोन करदा होवे उहनू कह कम कर चक के नहीं कट के कम कर फिर सुनांगे पहले मेरी सुनो जदों मेरी सुन गई फिर तुहाडा उहदा फोन सुनने जी नहीं करना हुणे नहीं बाद च भी आ जाओ अकला शकला वाले अकला अकला शकला वाले अकला शकला वाले की देश के ने कमले चले रुसवाइयां ते खुआरियां बाजू यारो कुछ नहीं इश्क दे बल्ले रुसवाइयां ते खुआरियां बाजू यारो कुछ नहीं इश्क दे बल्ले समाहियां ते खुआरियां बाजो यारो कुछ नहीं इश्क दे पले ओ कर होए बर्बाद निहाफ जे लोको जो कर इश्क ने मले आओ आओ सारे रल के उन सरकार की गल करिए जिन्होंने गुरु दे नाल गए अपने मुर्शिद दे नाल अपने पीर दे नाल अपने यार दे नाल अपने खसम दे नाल अपने वाहेगुरु दे नाल जिन्होंने इश्क कमाया उस सच्चे इश्क की गल कर लगा आओ सारे रल के उस अलपाक दी उस वाहेगुरु की इबादत दे विच बैठदे हो की कहना आ वेखी जा पर छेड़ी ना वेखी जा पर छेड़ी ना वेखी जा पर छेड़ी ना ओ वेखी जा आ वेखी जा वेखी जा वेखी जा वेखी जा पर छेड़ी ना वेखी जा पर छेड़ी ना इश्क चीज है पर छेड़ी ना इश्क चीज है मस्त मस्त देख जा पर छेड़ी ना इश्क चीज है मस्त मस्त जेड़ा इस वल तक भी लैंदा जेड़ा इस वल तक भी लैंदा जेड़ा इस वल तक भी लैंदा
चादर पैरा दे विच झांजर पाई पैरा दे विच झांजर पाई पैरा दे विच झांजर पाई सोनी खातर महीवाल ने पट दी टुकड़ी चीर खवाई टुकड़ी चीर खवाई पट दी हीर दी खातर नाचे ने सी हीर दी खातर नाचे ने सी हीर दी खातर नाचे ओ छड़िया तख्त हजारा तख्त वेखी जा पर छेड़ी ना वेखी जा पर छेड़ी ना इश्क चीज है मस्त मस्त वेखी जा पर छेड़ी ना इश्क चीज है मस्त मस्त वेखी जा पर छेड़ी ना इश्क चीज है मस्त मस्त इश्क बाबा बोले शान होया अपने यार दे मूरे नच रहे पैरों में घुंघरू पा के इसे तरह बाबा फरीद अपने यार दे कदमों में गया दिल्ली यानी कि ख्वाजा साहब के कदमों में सुनिया ख्वाजा साहब के कदमों में गए ख्वाजा साहब कह लगे फरीदा ओए चंगा हो गया तू आ गया यारा सानू पानी गर्म करके नहीं सी कोई देने वाला बाबा फरीद कहते कहते हजूर मैं तुहानू पानी भी गर्म करके दिया करूंगा तुहाडा हुक्का भी ताजा करके दिया करूंगा हुण बाबा फरीद हर रोज उठदा हर रोज पानी गर्म करके दे दिंदा हुक्का ताजा करके दे दिंदा एक दिन की होया बाबे ने देखिया बाबे फरीद ने देखिया कि धूने में आके है भी ओए हुण पानी किवें गर्म करा दीवा किवें बाला हुक्का किवें ताजा करा हजूर दे उठण दा समा हो गया सी ओनू दूर एक दीवा बलदा नजर आया घर एक बेसवा दा उस बीबी ने घर गया आवाज मारी बीबी उतर गया इचबारे चो ओने सोचिया कि कोई ना कोई गल जरूर है पर बाबा फरीद नू ए नहीं पता मेरा इम्तिहान हो रहा उतर गया इचबारे चो बाबा कौन कहता मैं बाबा फरीद ख्वाजा साहब का चेला अच्छा आगे कहती बाबा ओए दुनिया दे घटिया लोग माड़ी सोच इस कोठे दे आउंदे आ एक कोठा है कचरी दा इस कोठे दे माड़े लोग आउंदे आ तू कितों रस्ता फड़ लिया बाबा फरीद कहता बीबी मैनू अग चाहीदी है ओ बीबी कहती बाबा अग तो बहुत है पर महंगी बड़ी है अग बहुत है पर महंगी बड़ी है कहन लगा की भाव मिलता दस ओ बीबी कहती बाबा एक कोला एक अखबत ने मिलता लेना बाबा फरीद कहते फिर कोई महंगी नहीं लिया छुरी फड़ा छुरी फड़ी एक अख कट के दे दी कोला लेके तुर पिया बार बार शहन लगी कोला बुझ गया उस बीबी के घर गया आवाज मारी बीबी ओए मैनू अग चाहिदी आ ओ कहंदी बाबा ओ सही भाव मिलनी है कोई गल नहीं लिया छुरी फड़ा छुरी फड़ी दूजी अख कट के दे दी तुरिया जांदा अपनी यार नू मखापत करके कहता एक तेरी अग बदले तो नैन कंजरा घर बेचे जाके हुक्का ताजा कीता पानी गर्म कीता अखां दे पट्टी बन लई अखां दे पट्टी बन लई जदों हुक्का रखण वास्ते मोहम्मद साहब दे कदमां विच गए सॉरी ख्वाजा साहब दे कदमां विच गए ख्वाजा साहब कहंदे फरीदा ओए अखां दे पट्टी क्यों बन्नीआं कहंदे हजूर मेरी अखां आईआं होईआं ने मैं सोचता कि थोड़ी तो अखा खराब ना हो जाए ख्वाजा साहब ने नारा मारिया कहते जा जे अखा आईया हुई तो पट्टी खोल दे जो पट्टी
ਵੱਡੀ ਖੋਲੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋ ਨੈਣ ਦੇਣੇ ਪਏ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਪਰ ਛੇੜੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਪਰ ਛੇੜੀ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਪਰ ਛੇੜੀ ਨਾ ਹੁਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ते मोहम्मद साहब दा हुसन एक पासे तामी हुसन ओदा दुनिया तो उपर नराला सीगा इना हुसन दिता ते अल्लाह पाक ने मोहम्मद साहब नू मोहम्मद साहब ओ दुनिया दा ओ कुराने पाक दा ओ कुराने शरईए दौर दा मुसलमान शरईए दौर दा पहला पैगंबर पहली पाशाही मोहम्मद साहब उन्हां दा एक सेवक उन्हां दा एक सेवक ओदी घरवाली अपने घरवाले नूं कहिंदी जाओ जाओ अज सरकार नूं दावत दे के आओ कि कल नूं लुखी पिसी रोटी साडे घर खा लैण ओ कहिंदा कोई गल नहीं उन्हें जाके मोहम्मद साहब के कदमों में दुआ फरियाद की सच्चे पातशाह कल नूं लुखी मिसी रोटी मेरे गरीब साने खा लो मोहम्मद साहब कहते असी कल्ले आईए क्या पूरी जमात कहते हजूर किन्ने बंदे दी कहता 70 बंदे दी वो कहता कोई गल नहीं 70 ही आ जाओ जाके अपनी घरवाली नूं कहता 70 बंदे आने ते घरवाली कहती कोई गल नहीं आटा मशीन तो ले आओ जे सब्जी की गल साडे घर बकरी हैगी घरवाली कहती साडे घर बकरी हैगी कसाई नू बुलाया बकरी नू चिवा कर रहे हैं ओदे छोटे छोटे पीस कर रहे हैं जदों छोटे छोटे पीस कर रहे ओदे दो लड़के सागत ते जाफर दोवे निके निके कोल खड़े आ सागत कहता जाफर जो बकरी नु जीवा कर लिया शुरा शुरी अंदर रख दिते बकरी दे छोटे छोटे पीस करके टप च पा दिता सागत ते जाफर ने शुरा शुरी चके दोवे कोठे ते चढ़ गए सागत कहता जाफर ओए आपा भी ओवे करिए जिवें बकरी करदी सी ओ कहता चल कहता लम्मा पै जदों सागत लम्मा बह गया जाफर ने गल ते छुरी रखी वो कहता बकरी वांगू कर मैं जदों बोलिया उन्हें छुरी खिंची आ सिर धड़ तो अलग हो गया मर गया जदों खून दूसरे दे पैरां वल गया वो घबरा आ गया वो पिछे नूं तुरन लगा पिछे कोठा मुक गया धौण भर डिग के वो भी मर गया हो रही किसी ने कोई पता नहीं घरवाली ने रोटी तैयार करके अपने घरवाले नु कहा कहना जाओ सरकार नु दावत दे के रोटी तैयार हो जदों घरों तुरन लगा घरवाली कहती जदों भी सरकार ने आना उन्होंने कहना आ जाओ सारा परिवार बैठो तुहाडे लई खत्म दुआ पढ़ा दुआ फरियाद करा जाओ पहला बच्चे नु वेख के लियाओ वो चारे पासे वेख के आया बच्चे किथे नहीं मिले घरवाली कहती जरा कोठे ने चढ़ के वेखो आज जदों कोठे ने चढ़िया पुत्र दी मौत वेख के सीना फट गया जदों कहां वधिया दूजा भी मरिया पिया मलक तेरी थले वाले बच्चे नु चुक के उपर ही लै गया ओदे नाल ही पा के सफेद रंग दी चादर दे दित्ती आके घरवाली नु कहंदा कोठे ते भी है नहीं आगे घरवाली नु कहंदा कोठे ते भी है नहीं क्यों क्योंकि औरतां दे मामा दे दिल कमजोर होंदे सरकार ने रोटी नहीं खानी घरवाली कहंदी कोई गल नहीं आपे ही किधरों आ जाणगे जाओ सरकार नु दावत दे के आओ जाके दुआ फरियाद कीती सच्चे पातशाह रोटी तैयार आ 17 बंदियां दी जमात आ गई जेड़े होर नाल बैठे से पीर फकीर ओ भी आ गए वजू कीता वजू किया जल ग्रहण किया मोहम्मद साहब कहन लगे रोटी तैयार है हाँ जी तैयार है जी आओ पहला सारा परिवार बैठो मैं तुहाडे लई दुआ फरियाद करा खत्म दुआ पढ़ा दोवे मियां बीबी बैठ गए मोहम्मद साहब कहते घर विच कोई होर जी नहीं कहते सरकार
साढ़े दो लड़के आ पता नहीं सवेर दे कितने खेडन गए आप ही किधरों आ जाएंगे तुसी रोटी खाओ बहुत मसाल कहते नहीं असी अटक लेने हैं असी उड़ीक लेने हैं जाओ पहला बच्चे नु वेख के लिया उथे के जाता आवाज मार के आ जाता उथे के जाता आवाज मार के आ जाता आके कहता हजूर पता नहीं कितने दूर खेडन गए तुसी रोटी खाओ आप ही किधरों आ जाएंगे मोहम्मद साहब जानी जान सीगे ओए कहंदे जे तोड़े खदमात्मा होवे असी आवाज मारिए कहंदे हजूर तुहाडी मर्जी मोहम्मद साहब ने अल्लाह पाक नु याद करके एक हैदरी नारा मारिया ओ बच्चे उधर उठ के भजी आ रहे हजूर ने कदमा दे नाल आले छाती दे नाल आले मोहम्मद साहब कहते यही बच्चे है हजूर हाँ जी कहते कहता तुहाडे होणगे मोहम्मद साहब कहते आओ आओ तुहाडे लई खत्म दुआ पढ़िया दुआ फरियाद करिए जिवें खत्म दुआ पढ़न लगे और बच्चे पता की कहते कहते हजूर खत्म दुआ बिल्कुल नहीं पढ़नी कहते क्यों कहन लगा हजूर खत्म दुआ इस करके नहीं पढ़नी जिवें सानू जिउंदे कीता ओ बकरी भी जिउंदी करो मोहम्मद साहब कहन लगे कहंदा पुत्र ओए बकरी दी तां सब्जी बन चुकी है ओ कहन लगे फिर इश्क कच्चा है असी कच्चा इश्क नहीं पालदे हजूर जे साडे वर्गी दो रूह जीवित हो सकदियां ते ओ तां नहीं जीवित हो सकदी कि ओ बेजुबान है फिर तुसी अल्लाह पाक दे आशिक नहीं हो सकदे मोहम्मद साहब ने जदों उन्हां दी नजरां देखियां उन्हां दी बिरती खुदा नाल लग चुकी सी मोहम्मद साहब ने एक नारा मार के कहा कहंदे पुत्र मेरे विच ताकत सी मैं तुहानू जिउंदे कर दिता हुण कुछ गल्लां तुहाडे हिस्से आईयां जाओ जे तुहाडे विच ताकत है तुसी बकरी नू जिउंदा कर लो दोहां बच्चियां ने मोहम्मद साहब दे पैरां नू छू के अल्लाह पाक नू याद करके एक हैदरी नारा मारिया ओ बकरी भी उठ के खड़ी होगी तां लिखिया है इश्क चीज है किधर चले हो नहीं काली तो तुम दौड़न दी हुई भाई जितों तक मैं खड़े खड़े रहो वेखी जा पर छेड़ी ना इश्क चीज है वेखी जा पर छेड़ी ना सूझवान बच्चों नू जन्म दिता मावां नू सलाम हरदीप जी माता जी हरदीप भाजी ये 100 रुपया माता ने दिता जे सुन रहे हो आप पा लिया जेब च ये नहीं देंदे किसी नू इन्हां ने मैनू इस च कुछ नहीं देना आ 100 रुपया अपना पक्का शाम नू खावांगे आइसक्रीम जेड़ा इस वल तक भी लैंदा वेखी जा पर छेड़ी ना वेखी जा पर छेड़ी ना इश्क चीज है वेखी जा पर छेड़ी ना इश्क चीज है आओ वेखी जा पर छेड़ी ना इश्क चीज है वेखी जा पर छेड़ी ना इश्क चीज है इश्क चीज है इश्क चीज है इश्क चीज है मस्त मस्त कोई गाँवदा इना कलाकार गल्लां वाले सारे ना मेरे अंदरों इंजन आए चल रहा दगड़ 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 पर मैनू पता है तुसी सुनन बैठे हो तुसी मजाक च नहीं बैठे हो
सुनाई दा उथे नहीं जिथे कोई सुनने वाला ना हो, जिथे सुनने वाला बैठा हो मल्लो मरी गा हुंदा वा। लो जी आखिरी गल मैं पानी दी कर लगा, उस तो बाद मेरा भरा लाली खैरा सरकार उन्हें वलिया उन्हें औलिया उन्हें मस्त कलंतरा दे याच राजा साहब दे याद दे विच बड़े सोने गीत गाए भरा। एक बारी ताड़ी लाओ वीर दे नाते आजो। ओ भाई तानू कसम होगी जेड़े जा रहे हैं भैन जी, ओ भैने तानू कसम होगी बापू इंद्र सिंह महाराज की जिथों तक आखिरी गल सुननी नहीं तो जाना नहीं। मैं बापू नू कह दूंगा फिर इन्हें नेह फल जान जिन्ना चिर बैठे रहे, जोर मेरा लग रहा तुम फ्री च सुन से तुम्हें दिक्कत आ रही है, जिहड़ी चीज सुनाने लई मैं बैठा वो तो सुन जाओ, उस तो बाद जिथे तुहाडा दिल करके जायो। पानी की कदर करया करो क्योंकि सब तो ज्यादा पानी खराब तुसी कर दिया। एक भांडा धोना होंदा टप पानी का खराब, बच्चे नूं नवाउणा होंदा बच्चा तो कौली ना नहा लैंदा गिला कपड़ा करके मार दो नहा लिया, बच्चे नूं नवाउणा होंदा टप पानी का उन्हूं लाल चलानी आ गया मेरा बुगू नहाऊगा, तुसी पानी खराब। पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो पानी की अहमियत की है, जिन्ना लोगों ने अपने आप को पानी वर्गा कर लिया ना बाबा जी, और जिंदगी कदे किसी के गुलाम नहीं होंगे और कदे वो सतगुरु वाहगुरु तो मुख नहीं मोड़ता जेडे पानी वर्गे हो जाते हैं। पानी वर्गे पता कि पानी अपना रस्ता खुद बना है, पानी अपना रस्ता खुद बना है, तो पानी फिर इन्ना ताकतवर होंगे इनू ना फिर हवा रोक सकता ना यह अग न बुझा दूगा ये हवा नू रोक दूगा पर इनू रोकने वाला कोई नहीं जे पानी वर्गे हो गए। तो पानी जिस चीज़ के विच मिल जाता ना बाबा जी जिस चीज उहदे वर्गा हो जाता, लस्सी च पा दो अपना वजूद खत्म करके लस्सी बन गया, दुध च पा दो अपना वजूद खत्म करके दुध बन गया, इस तरह पानी वर्गे हो जाओ जिहदे दरबार से गए उहदे वर्गे हो जाओ। मैं इत्थे आया मैं बापू गुलाम साईं सुरेंद्र शाह जी का मंगता बाकरपुर वाले जिन्होंने सानू रब नाल जोड़िया रब की इबादत के लाया होया, पर असी इत्थे खड़े हाँ असी गल बापू इंद्र सिंह महाराज की कर रहे क्यों, क्योंकि पानी वर्गे हैं असी बाबा जी, जिथे चले गए असी उन्होंने हो गए उन्होंने हो गए, सिर एक जगह चुकया चुकया वो चुकया, पर रब के आशकों को मिलन च की जाता बाबा जी, की पता किस भेस में नारायण मिल जाए। सुने हुण पानी जिंदगी दे नाल नाल रहिंदा है, अजे जन्म नहीं होया जदों इंसान मर भी जावे ना बाबा जी मरण तो बाद भी पानी रोंदा है, मरण तो बाद भी पानी उहदे नाल है, किदां सुणिओ जरा। बंदा दाखल होंदा जदों मां दी गर्भ अंदर, ओ बंदा दाखल होंदा जदों मां दी गर्भ अंदर, ओदे पालन पोषण नु कम आवे पानी, बच्चा जन्म लैके जो गोद आउंदा हर कोई गुड़ती दे विच मिलावे पानी, आ बच्चा मां दा दुध जो पीण लगदा है, बच्चा मां दा दुध जो पीण लगदा उस दुध विच रब आप मिलावे पानी, बंदा किसे मोड़ उते डर जावे चकरा जावे डरे हुए मन नू शांत लियावे पानी, जो बंदा घबरा जाता कहते पानी पियोगे। इस दुनिया ते जिन्ने भी बड़े पदार्थ सब नू बनावे ते पकावे पानी, शगना दे कार्ज कीते मेहंदी नू मेहंदी दा रूप दे जावे पानी, कदे मेहंदी डीजल पेट्रोल मिट्टी दा तेल सरों दे तेल च पेई पानी च, मेहंदी नू मेहंदी दा रूप दे जावे पानी, साग संबंधी कट्ठे होए उस मेहंदी नू आप तवावे पानी,
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਵੇ ਕਾਸ਼ੀਆ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਵੇ ਕਾਸ਼ੀਆ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਚੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਵੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਵੇ ਕਾਸ਼ੀਆ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨਵਾਵੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਏ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸੱਤ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਡੋਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਡੰਗ ਕਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਅਜਾ ਵੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਕਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਇੱਕ ਗੁੱਠ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਆ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਗਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਸ਼ੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਓ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਡਬੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਇਸ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਕ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹਬੀਬਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਦਾਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਰਾਈਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਬ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਪੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲੋ ਕੁੱਖ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੋਈ ਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਸੈਲਾਂ ਬਟੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਾਤਾ ਭਲੀ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਟਿੰਗ ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਦੇ ਲਾਲੀ ਖੈਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਆ ਹੋਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂਓ ਚੜਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਮੰਨਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰੋਗ ਉਹਦੀ ਚੌਕਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਰ ਗਏ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਵਰ ਗਏ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੀ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਬੜੇ ਚਾਹਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੀ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਬੜੇ ਚਾਹਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਕਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਕਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਬੁਕਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੌਮਾਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਬੁਕਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੌਮਾਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰੇ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਡਵਾੜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਪੂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਪੋਸਤਾਨ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਪੀਵੀ ਟੋਡੇ ਸਿੰਝੀ ਲੜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਤਾਰੀ ਲੋਧੀ ਪ੍ਰਿਆਈ ਗਿਰਲ 24 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਣੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਫੋਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਜਕਾਰਾ ਬਾਪੂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਸਰੂਪਾ ਪਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪੀਵੀ ਟੂਰੇਟ ਤੋਂ ਸਿੰਝੀ ਲੜੋਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਕੁਲਦੀਪ ਝਿੰਗੜ ਜੀ ਅਤੇ ਤਾਰੀ ਲੋਧੀ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਟੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਪਾਓ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਤਾਰੀ ਲੋਧੀ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਗਲ 24 ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਅਮਨਾ ਹਲਵਾਈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੁਣ ਖੜੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਮੇਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਗੀਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਸ਼ੀ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ 2.5 ਘੰਟੇ
ढाई घंटे ले जरूर बैठो, ये महापुरुष सानू कहते ने बोले सोनिहाल। बहुत वधिया गल्लां कीतियां इन्हां ने, बहुत बहुत धन्नवाद इन्हां दा, बहुत मन खुश होया, सारी संगत बहुत खुश है, सारी संगत वल्लों इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। कोई गलती नहीं है जी, कोई गलती है ही नहीं, कहिए किदां। अगर कोई प्रबंध च कमी हो गई होवे तां असीं खिमां दे जा चुके सारी संगतों। राजा बली कर बली, राजे की फौज तो करूगी मौज। बाबा जी जे राजे की फौज च आके भी सानू कोई कमी लगी फिर ना साड़ी उत्थे टोई ना उत्थे टोई। सानू इन्ना आनंद आया, बड़ा चंगा लगा, और असीं तो फिर दुआ करते हैं कि एक रुपये तो सौ हो जाण, मालका अगे तो एक हो जाण। मैं तो कहना एक बंदा बैठा तो हज़ारा का कट हो गए, जिते दो ने सानू एक चाहिए, सानू दो नहीं चाहिए। मैं असी दुआ करना है वो कलाकार जो उत्थे लगा होगा सानू नहीं पता वो सोच किदां दी, असी ये कह के जा रहे हैं। तो मैं फिर भी मेरे को कोई गलती गुस्ताखी हो गई होवे, कोई बदगढ़ शब्द बोलिया गया होवे, किसी ए लगा वे इदा नहीं इदा होना चाहिए सी, अरदास माफ़ी का जाचका जी। कोई गलती गुस्ताखी तुहाडे चरणों की मैल है तूड़ा समझ के माफ़ करो। बोली सच दरबार की वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार फिर सारी संगत का बहुत बहुत प्रबंधकों वालों धन्यवाद। इस सालाना बरसी की अज इत्थे ही समाप्त।